दोस्तों आज है 8 फरवरी और आज का द हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड एडिटोरियल डिस्कशन जो है बहुत ही माइंड ब्लोइंग, बहुत शानदार रहने वाला है। पूरा डिटेल में इतने सारे एडिटोरियल होंगे, आप लोगों को सुनकर मजा आ जाएगा और न्यूज एनालिसिस भी काफी लार्ज स्केल पर डिस्कस करने वाला हूं। तो पूरा कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस देखने को मिलेगा करंट प्लस स्टैटिक पोर्शन के साथ में। तो अगर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं इंडिया के अंदर जहां पर ये सारी चीजें कवर की जाती हैं, तो आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। पूरा जो डिस्कशन होगा एक ओवरव्यू में आप लोगों को बता देता हूं, उसके बाद में फिर हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में आप लोगों से बात करूंगा एडिटोरियल के बारे में, काफी सारे एडिटोरियल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक एक कर एडिटोरियल के ऊपर नजर डालेंगे। बोरिस जॉनसन जो है उनकी खस्ता हालत क्यों हो रखी है, आखिर डेमोक्रेसी क्या होती है, आप लोगों को बोरिस जॉनसन की हालत देखकर समझ में आएगी। और पत्रकारिता किस हद तक किसी कंट्री की जो बेसिकली नहीं गवर्नमेंट को भी बर्बाद कर सकती है, और वेस्टर्न वर्ल्ड में डेमोक्रेसी की ताकत क्या है, ये आप लोगों को इस आर्टिकल से समझ में आएगी। कुछ कंपेयर इंडिया के साथ में करूंगा ताकि आप लोग समझ सके, अगर कोई इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा आप लोगों से तो उसका जवाब आप लोग अच्छे से दे सके। तो कुछ ऐसी बातें भी डिस्कस करने वाला हूं। हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, आखिर वो किस तरीके से काम कर रही है। एक स्कीम जो कई बार आप लोगों ने सुना होगा, इसको बोलते हैं बेसिकली प्रोटेक्शन लिंक इंसेंटिव। आखिर ये क्या है, हमारे देश में ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है, और कर नहीं रही है तो क्यों कर रही है, ये जानेंगे। आज ये आर्टिकल मैं कवर करने वाला हूं, कल ये आर्टिकल मैंने बोला था कि जो नैनो मैगजीन में कवर किया गया, पर लेकिन आज फिर से आर्टिकल आया तो काफी बेहतरीन तरीके से कवर करूंगा, आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे एक एक पॉइंट समझकर, तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया कि सर कोई नहीं, हमने जो दूसरी वीडियो देख ली थी जो 8:30 बजे आती है, क्योंकि उसमें भी आर्टिकल मैंने डिटेल में कवर किया था। चलिए कोई नहीं, आज यहां पर आ गया कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ में, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में पूरा आर्टिकल जो है बहुत प्यार से कवर करूंगा, ताकि एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में कवर हो जाए, और कुछ ऐसे भी पॉइंट होंगे जो आप लोगों को कोरिलेट कर पाएंगे कई सारे रिलीजन के साथ में, और बहुत सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन समझेंगे, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर नेक्स्ट जो आर्टिकल आप लोगों के सामने आने वाला है, ये डिजिटल चीजों के बारे में आएगा, जो डिजिटल इकोनॉमी है उसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसके चलते बात करेंगे कुछ, और थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर WTO के बारे में जानेंगे, आखिर WTO क्या है और किस तरीके से यहाँ पर WTO काम कर रहा है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा थोड़ा सा, अगर टाइम परमिट करेगा, वैसे वो एक्स्ट्रा चीजें हैं तो मैं आप लोगों को चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि अलग अलग राज्य में इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो वैसे आज के डिस्कशन में तो आप लोगों का वो पार्ट नहीं है, पर हाँ फिर भी अगर मुझे टाइम मिलेगा ना तो थोड़ा सा चीफ मिनिस्टर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन हो जाता है। अगर टाइम नहीं मिलेगा तो संडे सैटरडे में कवर कर लेंगे, टेंशन कुछ नहीं लेना, छूटेगा कुछ नहीं, ठीक है। आगे जब चलेंगे न्यूज एनालिसिस वाले पोर्शन में, तो चाइना क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अभी रिसेंटली जो विंटर ओलंपिक चल रहे हैं उसमें इनके द्वारा अपनी आर्मी के जवान को टॉर्च बेयरर बनाया गया, उसमें क्या बातें की जा रही है, ओवीसी की सिक्योरिटी को लेकर क्या अभी लैप्स देखने को मिले, पूरा देश में इशू बना, समझेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर कुछ बातें बताई जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा क्या बोला गया, अभी यहाँ पर त्रिपुरा पुलिस को सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, खासकर मुझे याद आ रहा है जब हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, तो जैसे नहीं गेहूं कटते हैं तो गेहूं कटने के बाद में जो खेत है वो खाली हो जाते थे, ठीक है, तो फिर वहां पर टूर्नामेंट कराया करते थे। ऐसे ही कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है साउथ इंडिया में, केरला में, यहां पर क्या किया है, जैसे ही धान की खेती खत्म हुई तो वहां पर अभी रिसेंटली क्या किया गया, एक फुटबॉल का बेसिकली ग्राउंड तैयार कर दिया गया। तो ये बड़ा ही प्यारा सा एक व्यू यहां पर देखने को मिल रहा है, आई होप कि आप लोगों ने भी ये चीजें की होंगी बचपन में, किस किसने ये सारे इस तरीके से खेतों में चीजें क्लियर कर कर वहां पर टूर्नामेंट कराना, ये अगर आप लोग गांव से आते हैं तो ज्यादा अच्छे से इसको कोरिलेट कर पाएंगे, बाकी आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंडिया की जो सपोर्ट है श्रीलंका उसके बारे में, और यहां पर बेसिकली लता जी के बारे में कुछ बातें हैं, समझेंगे यहां पर लता जी के बारे में क्या क्या डिमांड इनसे रिलेटेड यहां पर की जा रही है। जो REET जो यहां पर ये पर्टिकुलर एग्जाम है उसको कैंसिल कर दिया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, तो समझेंगे इसके बारे में। तो इसको बोलते हैं राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, तो ये टीचर्स के लिए एग्जाम होता है, ठीक है। तो यहां पर अभी आप लोगों को पता है क्या क्या इश्यू चल रहे हैं खासकर एग्जाम्स को लेकर, हर जगह ये चीज देखने को मिल रही है, ठीक है। इसी के चलते मैरिटल रेप के बारे में फिर से आर्टिकल आया, तो कुछ बातें मैं यहां से करने वाला हूं। COVID-19 की सारी गाइडलाइन जो है वो साइड में धरी रह गई, जब कोई सेलिब्रेशन आते हैं फिर इलेक्शन आते हैं तो वही यहां पर पिक्चर में दिखाने की बात की जा रही है। अपोजिशन क्या बोल रही है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी को, और प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा क्या बोला गया था स्टार्टिंग में अपोजिशन को, तो बातें करेंगे। कुछ पता होना चाहिए देश के अंदर क्या चल रहा है, एक ओवरव्यू आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है PMMVY, एक स्कीम आप लोगों की कवर हो जाएगी, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इसके बारे में आप लोगों से कुछ बातें करूंगा, आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। इसी के साथ में ट्रैफिकिंग के बारे में बात की जा रही है, तो एक ऑपरेशन चलाया गया आहत, ठीक है। तो ये ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया और क्या है, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का प्रीलिम्स में भी बन सकता है, जानेंगे। पीएम केयर के बारे में बात की जा रही है, तो पीएम केयर के बारे में थोड़ा समझेंगे। और सैल्यूट है हमारी क्रिकेट टीम को, जिसके द्वारा अभी यहां पर
अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता गया, किसको हरा कर जीता गया, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में मैक्रोन और पुतिन क्यों बातें कर रहे हैं इसके बारे में समझेंगे। चाइना की एक प्लेयर जिसको यहाँ पर रिसेंटली अभी बुरी हालत देखने को मिली थी उसके बारे में बात करेंगे, आखिर क्या इशू निकल कर आ रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर जो पब्लिक बोरिंग के बारे में बात की जा रही है तो क्राउड आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है, तो ये समझेंगे हम लोग। ईरान और यूएसए की बात के साथ में क्या पॉजिटिव इंपैक्ट निकल कर आ रहा है ऑयल फील्ड में, ये समझेंगे। आज का सुडोकू है आप लोगों के सामने, ये आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, इससे आप लोगों को काफी कुछ जानने को मिलेगा और जिसके द्वारा आंसर अच्छे से दिए गए, यह तुसार, तो एसएलवी कमांडो है आज के तुसार जिनके द्वारा शानदार तरीके से आंसर दिए गए। क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछे थे उन क्वेश्चन के भी आंसर आप लोगों को बताऊंगा और वीडियो के एंड में 5 वोकैबुलरी होगी जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करनी है और ये आप लोगों की बेसिकली इंग्लिश को भी इंप्रूव करने में काफी हेल्प करेगी और आंसर राइटिंग में भी नए नए शब्द अगर यूज करोगे तो काफी फायदा देखने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ डिस्कशन रहने वाला है, ठीक है, तो काफी कुछ जानने को मिलेगा, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पर इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आज का जो ये डेटा पॉइंट है, ये डेटा पॉइंट मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट्री कमेटी कैसे काम करती है उनके बारे में बातें की जा रही है। यहाँ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि कितनी मीटिंग्स होती है, नॉर्मली जितने बिल आए उसमें से ओनली 3 या 4 बिल जो है पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे, नॉर्मली ये माना जाता है कि अच्छे खासे बिल पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में जाने चाहिए पर ऐसा देखने को मिला नहीं, तो ऐसे कई सारे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिले जिसके चलते बातें की जा रही है, ठीक है। तो ये पंजाब के इलेक्शन के बारे में, ये हो जाएगा आप लोगों का वैक्सीन वगैरह देनी चाहिए, वो डोज वगैरह देनी चाहिए, ये यहाँ पर डिजिटल के बारे में जो मैंने भी आप लोगों से बात किया, बोरिस जॉनसन के बारे में, ये यहाँ पर जो साइड वाला आर्टिकल होगा ये हिजाब यूज करने के बारे में बात की जा रही है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है जो कि हम लोग काफी अच्छे से समझेंगे और हमारा देश जो है वो हब माना जाता है यहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, पर लेकिन फिर भी दिक्कतें क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। केरला की पॉलिटिक्स है नहीं देखेंगे, इग्नोर करेंगे और ये डेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा SLVpedia वाले पेज पर टेलीग्राम पर, तो उसको जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर सारी चीजें मैं पोस्ट यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये काफी एक ग्रुप है यहाँ पर जहां पर मैं आप लोगों को कई सारी चीजें पोस्ट करता हूँ, तो इसको आप लोग जाकर देख लेना, ठीक है। 3 टेलीग्राम के ग्रुप है, एक पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाती है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एसएलवी के नाम से, ठीक है। दूसरे पर आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली आंसर राइटिंग का है यहाँ पर वीर तालियान के नाम से और यहाँ पर एसएलवी पीडीएफ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, काफी फायदा देखने को मिलेगा, डेली आप लोगों को एक आर्टिकल भी देता हूँ पढ़ने के लिए, उसको आप लोग जरूर पढ़िए, आप लोगों का सीसेट कॉम्प्रिहेंशन वाला पेपर जो है वो काफी अच्छा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर मेंस या फिर एससी में यूज करने के लिए कोटेशन है जो कि काफी फायदा आप लोगों को पहुंचाने वाली है। बात की जा रही है एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में, अगर कुछ लिखने के लिए आता है तो बान की मून साहब की ये कोटेशन आप लोग वहां पर यूज कर सकते हैं। बोला गया है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज इज सिंपली द ग्रेटेस्ट जो कलेक्टिव चैलेंज वी फेस एज ए ह्यूमन फैमिली, यानी कि आज की डेट में जैसे हम लोग ह्यूमन है, इंसान है, तो चाहे वो इंडिया में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, चाइना में रहते हो, यूएसए में रहते हो, जापान में रहते हो, इंडोनेशिया में रहते हो, मलेशिया में रहते हो या कहीं पर भी क्यों ना रहते हो, हर एक इंसान जो है वो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो एक तरीके से ह्यूमन फैमिली, अगर पूरे इंसानों को हम लोग परिवार माने, हालांकि आज के में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसकी तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा कलेक्टिव हम लोग को चैलेंज है ये, इसको हम लोग को टैकल करना पड़ेगा। तो जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो ये आप लोग वहां पर स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग देखेगा। इसी के साथ में आज के कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग अटेम्प्ट करने हैं, करतारपुर कॉरिडोर है वो कहां से पास होता है, ठीक है, तो ये आप लोग को बताना है रिवर का नाम, ये है यहाँ पर रवि रिवर, इसी के साथ में झेलम, सतलज या फिर चेनब, ये आप लोगों को बताना है, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाएगा। विंटर ओलंपिक जो कि काफी ज्यादा न्यूज में है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। विंटर ओलंपिक, फर्स्ट विंटर ओलंपिक जो है वो 1924 में इंग्लैंड में हुए थे, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था विंटर ओलंपिक में 1964 में। शाम को 8:30 बजे जो वीडियो आते हैं डिटेल में मैंने सारे आर्टिकल वहां पर कवर किए हैं इसके बारे में, तो अच्छे से आंसर दोगे अगर आप लोगों ने ढंग से सुना होगा। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर बात की जा रही है ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, बोथ सही है या फिर कोई सा भी सही नहीं है, जो फर्स्ट टाइम सुन रहा है वो टेंशन मत लेना, इनके आंसर अगले दिन आप लोगों को मिल जाते हैं, तो तब तक पेशेंस के साथ में इनको अटेम्प्ट कीजिए, ओके। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर MTCR के बारे में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के बारे में। बोला गया इट इज एन इनफॉर्मल एंड वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन है, इसमें 35 कंट्री के द्वारा कोशिश की जाती है कि प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल और जो यहाँ पर बेसिकली अनमैन्ड एयर व्हीकल टेक्नोलॉजी होती है, तो यहाँ पर उनको कैसे यूज करना है बेसिकली, ठीक है, जिनकी कैपेसिटी होती है 500 किलोग्राम पेलोड से लेके 300 किलोमीटर तक का, तो उसके बारे में ही बातें करते हैं। दूसरा यहाँ पर बोला गया डिसीजन जो है वो लिया जाता है कंसेंसस के द्वारा, ऑल द मेंबर के द्वारा, कौन सी स्टेटमेंट सही है MTCR के बारे में। ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नन ऑफ द बोथ, तो सही आंसर क्या है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है, तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, ये आप लोगों के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बन जाते हैं करंट के साथ में कोरिलेट करके, ठीक है। और आज का जो आप लोगों ने यहाँ पर थंबनेल देखा होगा एक बार उसके बारे में बात कर लो, फिर बोलोगे कि बताया नहीं। देखिए यहाँ पर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था कि गूगल क्रोम के द्वारा अभी रिसेंटली अपना बेसिकली लोगो चेंज किया गया है,
तो ये इनका लोगो 2011 में था, ये इनका लोगो 2014 में था, और ये इनका लोगो 2022 में अभी चेंज किया गया लेटेस्ट। तो ये ट्रेंड करने लगा ट्विटर के ऊपर, क्यों? क्योंकि 2011 में जब चेंज किया गया 2014 में, तो लोगों को समझ में नहीं आया था क्या चेंज कर दिया, जबकि इसके द्वारा क्या किया गया, थोड़ा सा क्लियर किया गया, कलर जो थे थोड़े से वो डार्क कर दिए गए, और यहाँ पर 2022 में इनके द्वारा थोड़ा सा और क्लियर कर दिया गया, जो सेट वगैरह यहाँ पर हुआ करती थी वो खत्म कर दी। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे यूपीएससी के जो क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के, आप लोगों ने देखा होगा कि ए सही होगा, बी सही होगा, कौन सा सही होगा, तो ऐसे यहाँ पर ये दो बहनें इनकी जो पिक्चर है यहाँ पर शेयर करने लगी कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चेंज यहाँ पर गूगल के द्वारा अपने जो बेसिकली जो गूगल क्रोम के लोगों में किया गया है, ठीक है। तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, मतलब ट्विटर पर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मतलब दुनिया ना, मतलब जो आज की डेट में एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू और चीजों के लिए, इतना ज्यादा मतलब वहां पर देखोगे ना आप लोग हंसकर पैर फक जाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, आगे बात करते हैं। यहाँ पर हमारी एसएलवी फैमिली मेंबर है जिनका नाम है रवीना, तो ये अभी पीजीटी जो पॉलिटिकल साइंस टीचर में यहाँ पर अभी इनका सिलेक्शन हुआ है, तो कांग्रेचुलेशंस दिया पूरी एसएलवी परिवार की तरफ से आपको। और इसी के साथ में इनके द्वारा कंटिन्यूअसली यहां पर जो द हिंदू न्यूज़पेपर और इसी के साथ में नैनो मैगजीन का जो डिस्कशन है वो इनको काफी ज्यादा फायदा पहुंचा है। यहां पर 2018 से ये क्लासेस देख रही थी लगातार, तो देखिए अगर रेगुलरली आप लोग देख रहे हैं ना चीजों को, 2018 से जाकर 2022 में इनके द्वारा भी सिलेक्शन लिया गया, तो पेशेंस के साथ में आप लोगों को लगा रहना पड़ेगा। अगर आज से आप लोगों ने स्टार्ट किया तो सुनना स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, पूरा करंट और स्टैटिक पोर्शन जो है वो आप लोगों का कवर हो जाता है इन वीडियोस के अंदर, अगर प्रॉपर वे में आप लोग इनको फॉलो करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग इन चीजों को समझोगे और अपनी लाइफ का पार्ट बना के चलोगे। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, बात करते हैं यहां पर बोरिस जॉनसन साहब के बारे में। नॉर्मली अगर बात करें डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए तो वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से आप लोग इस आर्टिकल को कवर कर सकते हैं। ये छोटा सा बच्चा है यहाँ पर यूके के अंदर काफी ज्यादा ट्रेंड किया, ये माना जाता है इसको जूनियर बोरिस जॉनसन है यहाँ पर, मैंने फन के लिए जैसे लगा दिया, इसका वैसे कोई मतलब नहीं है। अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पर ये है कि अगर आप लोगों से पूछे कि हमारे देश में चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर जो है बेसिकली राज्य के अंदर एक हेड होते हैं, उनके द्वारा क्या किया, अपने राज्य के अंदर लॉकडाउन लगा दिया, ठीक है, लॉकडाउन ऐसा लगा दिया कोई घर से बाहर निकलेगा कोविड-19 के चलते, अपने घरों में ही वो इंसान रहने वाला है। अब वो चीफ मिनिस्टर साहब जो है अपने घर पर बेसिकली बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने घर पर या फिर कोई छोटी मोटी किटी पिटी पार्टी चल रही है उनकी, सारी एंजॉय कर रहे हैं, घर पर एक गैदरिंग हो रही है अच्छी खासी, जबकि राज्य में ये बोल रखा है कि दो लोग से ज्यादा लोग एक जगह नहीं आने वाले हैं, ठीक है, ये बातें बोल रखी है। या फिर सेम बात आप लोग प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा दिया है और खुद जो है पार्टी चल रही है उनकी बेसिकली लोगों के साथ में और अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं पूरी पार्टी को, ऐसा कुछ काम किया गया यहां पर यूके के अंदर। तो ये बात जो थी ये पब्लिक में आ गई, और पब्लिक में कौन लेकर आएगा, वो आएगा पत्रकार, वो तो इनकी बिरादरी है पत्रकार, क्योंकि ये भी एक पत्रकार हुआ करते थे, आज एक पत्रकार जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गया। ओनली एक छोटी सी चीज को पकड़कर, और वो चीज थी कि लोगों के मन में डर पैदा कर देना, डर कहीं का कि ब्रेग्जिट कर लो, यूके जो है उसको यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो यूरोपियन यूनियन जो है यूके को अपना स्लेव बना लेगी, ऐसी कुछ बातें यहां पर इनके द्वारा बोली गई। तो उसके चलते यहां पर लोगों के अंदर आक्रोश आया और यहां पर उसका प्रोडक्ट निकल कर आया बोरिस जॉनसन, ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठ गए। चलो समझ में आता है प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठ गए, पर लेकिन इंसान जो है वो अगर लोगों के लिए कुछ बोल रहा है तो गांधी जी ने ये बोला कि पहले अपने ऊपर इंप्लीमेंट करो तब लोगों को बोलो, पर इनके द्वारा हरकतें कुछ उल्टी कर दी गई। हुआ क्या, अभी यहां पर समझ लेते हैं। पूरे देश में ऐसा तगड़ा लॉकडाउन लगा रखा था कि दो से ज्यादा लोग जो है वो कहीं पर इकट्ठे नहीं हो सकते अगर उनकी गैदरिंग यहां पर होनी है, ठीक है, तो ये बातें यहां पर बोली गई। पर लेकिन अभी हुआ क्या, इनके द्वारा यहां पर जो हरकतें की गई उसकी वजह से यहां पर इनकी जो है काफी ज्यादा बेइज्जती हुई और एक पार्टी गेट करके स्कैंडल सामने आया। पार्टी गेट मतलब आप लोग सोचो हमारी कंट्री में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जिनको आप लोग सांसद बोलते हो और ये पार्लियामेंट में बैठते हैं, ठीक है, और जो जिनको आप लोग एमएलए बोलते हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनको आप लोग विधायक बोलते हो और ये आप लोगों को स्टेट की असेंबली में देखने को मिलते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं सांसद की, क्या आप लोगों को लगता है हमारी कंट्री में गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा, पार्टी का कोई भी ऐसा सांसद होगा आज के में से पार्टी में पावर में कौन है, जैसे बीजेपी है, आप लोगों को लगता है कि बीजेपी का कोई भी सांसद जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के खिलाफ में बोल सकता है? या फिर अगर बात करें यहां पर, अगर कल को चल के जैसे कि नॉर्मली कोई और प्राइम मिनिस्टर बनना है, मान लीजिए कांग्रेस से राहुल गांधी बन गए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, या फिर आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल बन गए, आप लोगों को लगता है उनके खिलाफ कोई आवाज उठा पाता है नॉर्मली? तो ये रेयरली होता है हमारे देश में, ये रेयरली देखने को मिलता है चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, ये आप लोगों को रेयरली देखने को मिलेगा। पर लेकिन ऐसा वेस्टर्न वर्ल्ड में आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में इतनी डेमोक्रेसी है कि अपनी खुद की पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो सांसद हैं वो अपने खुद के प्राइम मिनिस्टर को बेसिकली गरिया रहे हैं, यानी कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं दबाकर, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल अपोजिट में जाकर।
तो ये होती है रियलिटी में डेमोक्रेसी। अपने खुद की पार्टी के अंदर भी इंसान को हक है बोलने का, इवन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी। तो कई सारे जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर थे उनके द्वारा इस बात पर रेजिग्नेशन दे दिया गया, क्योंकि COVID-19 के चलते इनके द्वारा अपने घर में पब्लिक गैदरिंग की गई और अपनी बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट किया गया। तो यहां पर नंबर 10 ये डाउनिंग स्ट्रीट है, बिल्कुल ऐसे जैसे 7 रेस कोर्स हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जी का रहने का स्थान क्या है, वो है 7 रेस कोर्स, ठीक है। और यहां पर आप लोग को देखने को मिलता है, यहां पर ये है यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके रहने का स्थान, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर इनके अपने जो रहने का स्थान है यहां पर, जिसको इनके द्वारा बोला गया, इसका नाम बोला गया यहां पर नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ठीक है। तो यहां पर ये जो स्ट्रीट है यहां पर इनका जो घर है यहां पर इनके द्वारा बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की गई दबाकर, और वहां पर अच्छे से अपना दारू वगैरह जो भी मौज मस्ती थी इनके द्वारा वो की गई। तो ये जो मौज मस्ती इनके द्वारा की गई है वो पब्लिक में नहीं थी, लेकिन पत्रकार के द्वारा किसी ये पब्लिक में रख दी गई कि ऐसी कुछ हरकतें देखने को मिली। तो इनकी खुद की पार्टी के जो यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इनकी पार्टी के थे उनके द्वारा क्या किया गया, उनके द्वारा ये बोला गया कि दो लोगों से ज्यादा मिलने की हम लोगों ने आप लोगों ने खुद ने बोला था कि दो लोग से ज्यादा नहीं मिलेंगे और उसके बाद भी आपने ऐसी हरकतें कर दी, तो यहां पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर जो यहां पर बोनसन साहब है उनसे एक इंटरव्यू में बताया गया, तो उनसे पूछा गया, उन्होंने ये बोला कि मुझे किसी ने बोला ही नहीं इसके बारे में कि हाँ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, यानी कि ये खुद प्राइम मिनिस्टर हैं देश के और इनके द्वारा रूल और रेगुलेशन जो है वो सबके लिए बना दिए गए हैं। अब ये चाहते हैं कि इनको खुद जो है आकर लोग बोले कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, बदतमीजी वाली बात। तो इसी के चलते यहाँ पर इस बच्चे के साथ में इनको कंपेयर किया गया और बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया इनका कि ये देखो क्या बचकानी हरकतें बोल रहे हैं, मतलब खुद प्राइम मिनिस्टर है, खुद रूल और रेगुलेशन बना रखे हैं और खुद ये बोल रहा है ये इंसान कि यहाँ पर ऐसा कैसे, ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। तो इनके जो यहाँ पर जो सुग्रे यहाँ पर जो सेकंड परमानेंट सेक्रेटरी थे उनके द्वारा भी अपना जो है यहाँ पर बेसिक यहाँ पर कईयों के द्वारा रेजिग्नेशन दिया गया, उनके द्वारा यहाँ पर जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन सामने निकल कर आई और पब्लिश किया गया तो बोला गया यहाँ पर ऐसे 16 इंसिडेंट हुए हैं या 16 इवेंट हुए हैं जिसमें इनके द्वारा मौज मस्ती की गई है बेसिक बोरिस जॉनसन साहब के द्वारा। यहाँ पर मई 2020 से यहाँ पर अगर बात करते हैं जून यहाँ पर 2020 तक का, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब यह कि जब देश के अंदर में काफी कुछ यहाँ पर दिक्कतें चल रही थी ये धुआंधार तरीके से पार्टी जो है वहां पर सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इसको मुद्दे को उठाकर समझिएगा आप लोग अपनी कंट्री के साथ में कंपेयर करके देखिएगा उसको थोड़ा सा, अगर अपनी कंट्री में अगर ऐसा कुछ हो जाए क्या होता है, हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी खूब मजे कर रही है, जनता पर पूरा प्रतिबंध लगा देते हैं यहां से यहां तक नहीं निकलना है, पर लेकिन अपने आप जब मजे मात आए तो यहां पर शादी भी होती है, यहां पर पॉलिटिशियन के बच्चों की बर्थडे पार्टी भी होती है, खूब सेलिब्रेशन होता है, यहां पर कोई कुछ नहीं रोकता है, पर लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर अगर जनता के लिए जो रूल बना रखे हैं तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी सेम वो रूल इंप्लीमेंट होंगे। ये ताकत आप लोग डेमोक्रेसी की यहां पर देख सकते हैं। तो खुद की पार्टी के जो एमपी हैं यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पर हालांकि सपोर्ट अभी है जॉनसन साहब को यहाँ पर लेकिन फिर भी कई सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर अपना रेजिग्नेशन दे चुके हैं। तो अब देखने वाली बात यह कि कैसे यहाँ पर ये काम इनका चलने वाला है, तो ये वाली बात यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। सफिशियंट जस्टिफिकेशन इनसे मांगा गया कि क्या क्या चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर लॉकडाउन के टाइम पर ऐसी हरकतें क्यों की गई, तो इससे पब्लिक हेल्थ जो है वो डेंजर में पड़ गई, खतरे में पड़ गई, तो ये सारा मुद्दा यहाँ पर निकल गया। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि जो इनका तरीका था यहाँ पर काम को करने का वो जनता को पसंद नहीं आया, तो इसके चलते इनकी प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी है वो छीनने वाली है ओनली किसकी वजह से, क्योंकि इनके द्वारा अपनी बर्थडे की पार्टी सेलिब्रेट कर ली गई। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या लेवल की डेमोक्रेसी यहां पर देखने को मिल रही है। अगर बात करें यहां पर प्राइम मिनिस्टर जो एमपीज हैं यहां पर उनके द्वारा यहां पर बात करें तो अभी यहां पर 1922 जो कमेटी यहां पर चेयर की जाती है ये बेसिकली इनके द्वारा अभी यहां पर बोला गया कि 54 के करीब अभी भी ऐसे यहां पर जो लोग हैं जिनको सपोर्ट जो बेसिकली एक अच्छी खासी यहां पर एक तरीके मतलब सबमिट कर चुके हैं अपना लेटर एक तरीके से इनके लिए, तो यहां पर इनको ढंग से नहीं ट्रीट किया जा रहा है जॉनसन साहब को। अब जॉनसन साहब जो है वो उनका जो पत्ता यहां से कट सकता है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि जॉनसन साहब ने वैक्सीन को काफी अच्छे से टैकल किया, पूरे देश में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम काफी शानदार तरीके से चलाया, पर लेकिन फिर भी इनकी ड्रिंकिंग पार्टी जो है इनके वैक्सीनेशन के प्रोग्राम पर हावी पड़ गई और लोगों ने इनका पूरा प्रोग्राम जो है साइड में रखकर यहां पर ये चीज देखने को मिली। आप लोग बोलेंगे आखिर ऐसा क्या हो गया, पार्टी तो गई थी। देखिए जिन लोगों के द्वारा यहां पर प्रोटेस्ट दिखाया गया उसमें किसी की मां की डेथ हुई है, किसी के फादर की डेथ हुई है, उसमें से किसी की वाइफ की डेथ हो गई है, किसी के बच्चे की डेथ हो गई है, तो ये वो लोग हैं जो खुद अपने घर में ये बोला गया कि हमारे घर में हमारे जो है मतलब किसी फादर की डेथ होगी तो फ्यूनरल में भी यहां पर बेसिकली उसको अलाउ नहीं किया गया, वो खुद नहीं गए, बीइंग एक तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके द्वारा इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई गई, यानी कि घर में किसी की डेथ हो रही है उस दुख में भी वो पार्टिसिपेट शिरकत करने नहीं गए और ये भाई साहब जो है ये यहां पर इंजॉय कर रहे हैं अपनी पार्टी। तो ये जब बात सामने निकल कर आई तो इसकी वजह से पूरे देश में हाउल्ला हो गया। तो इस लेवल के तौर पर आप लोग देखते हैं अभी यहां पर यह माना जा रहा है आने वाले टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं देखो कौन बनेंगे, अभी जो भी मुद्दा रहेगा यहां पर
तो उसके चलते यहां पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो डेमोक्रेसी किस लेवल की होती है वो आप लोग यहां से समझ सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बस कुछ ऐसी बातें थी जिससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सके कि रियलिटी में यार इसको कहते हैं जनता का शासन। तो ये बातें मुझे आप लोगों को बेसिकली समझानी थी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। ओके, अगर आप लोग अपनी राय बताना चाहते हैं तो आप लोग अपनी राय बता सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं कि कैसा लगता है ये लेक्चर आपको। आप लोग जैसे ही लाइक का बटन प्रेस करेंगे तो आप लोगों को काफी मजा आएगा, देखिएगा प्रेस कर कैसा लग रहा है। यूट्यूब ने काफी इंटरटेनमेंट कर दिया, उसमें तीन कलर डाल दिए एक साथ में। पहले तो ब्लैक से उन्हें पहले व्हाइट से बस ब्लैक होता था, अब मुझे लग रहा है कि तीन कलर आते हैं उसमें। देखिएगा आप लोग काफी इंटरटेन कर दिया, तो उसको सपोर्ट किया कीजिए, उससे ये लगता है कि लेक्चर कैसा चल रहा है, सही डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा, कई सारे एंगल में आप लोगों को बताने वाला हूं और सुनकर आप लोगों का मजा आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। और इससे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, आप लोगों से इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और डायरेक्ट भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो स्टैटिक पोर्शन के साथ में कवर करूंगा करंट को कंबाइन करकर। तो जीएस पेपर 1 और 2 के अंदर बोल सकते हैं जुडिशरी या फिर वुमेन राइट्स के बारे में बात करें तो उसके बारे में समझेंगे। ये स्लाइड मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा अभी यहां पर, पहले एक बार मुद्दा समझ लेते हैं आखिर मुद्दा क्या है। मुद्दा यहां पर ये निकल के आ रहा है कर्नाटक में उडुपी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो लड़की है वो यहां पर हिजाब पहने हुई थी, हिजाब मतलब इस तरीके से सर को ढके हुए, तो ये यहां पर चीजें देखने को मिली। तो उनको स्कूल के अंदर जो है उनको अलाउ नहीं किया गया, ठीक है। तो उनको जो स्कूल नहीं सॉरी कॉलेज के अंदर उनको अलाउ नहीं किया गया, तो जैसे ही यहां पर उनको अलाउ नहीं किया गया उनको इसकी वजह से यहां पर दिक्कतें देखने को मिली। तो इसके चलते यहां पर जो मुस्लिम वुमेन है उनके चलते यहां पर कई सारी बातें सामने निकल कर आई। उनको ये बोला गया कि ये हिजाब पहनकर नहीं आ सकते, एक नॉर्मल जो ड्रेस है स्कूल का जो कोड है या फिर कॉलेज का जो यहां पर ड्रेस कोड है वो पहनकर आप लोगों को आना है, ये यहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो क्या हमारे देश में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है या फिर इसके बारे में पहले भी कभी बात हुई है या ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी इसके बारे में बातें होती है? तो मैं आप लोगों को आर्टिकल इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि हर एक एंगल आप लोगों का कवर हो जाए। पहले तो आप लोग ये बात करें, ऐसा नहीं कि इंडिया के ही अंदर हो रखा है, यहां पर फ्रांस के अंदर भी यहां पर बोला गया था कि जो पर्दा वगैरह होता है जो बुर्का वगैरह होता है इनको नहीं पहनना है, ठीक है। इसलिए कई सारे कमेंट ऐसे गए कि हमारी कंट्री इंडिया है फ्रांस नहीं है, ऐसी भी कई सारी चीजें थी वो ट्रेंड हो रही थी, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा बेल्जियम के अंदर होलैंड के अंदर भी यहां पर बुर्का वगैरह इन सब चीजों को बैन किया गया। चाइना खुद यहां पर बुर्का नहीं पहने देता है जिंगजियांग वाले रीजन में। सीरिया जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, तुर्की यहां पर भी जो हेड स्कार्फ्स हैं यहां पर, ठीक है, उनको बैन कर दिया गया जो कि खासकर एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। ट्यूनिशिया में यहां पर फुल फेस जो कवर करना उसको बना कर दिया गया। इसी के साथ में कनाडा में भी अटेम्प्ट किया गया और यूके में भी, जहां पर भी डिबेट चल रहा है कि इसको कैसे लेकर चलना है। कई बार इसको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है, कई सारे लोग जो है उसका गलत फायदा उठाते हैं, यानी कि एक तरीके से ना एक चेहरा ढककर कहीं पर बम ब्लास्ट वगैरह करा दिया फिर कोई भी सिक्योरिटी का इशू जो हो जाता है, तो उसके चलते यहां पर अलग अलग कंट्री में इसके ऊपर स्टेप उठाए गए। तो इसलिए यहां पर ये जो है मुद्दा न्यूज में आ जाता है, पर लेकिन हमारे देश में जो ये डिस्कस कर रहे हैं उसका पूरा ही एक अलग एंगल आप लोग को देखने को मिलेगा। तो वो आप लोग समझेगा, आप लोग अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। अभी यहां पर हमारे देश में बोला जा रहा है कि जो यहां पर ये स्कार्फ जो यहां पर ये हिजाब है जो यूज किया जाता है क्या ये रिलीजन का पार्ट है? अगर मुस्लिम जो वुमेन है यहां पर लड़कियां हैं उसको यूज कर रही हैं तो क्या ये रिलीजन का पार्ट है? तो उसको चेक करने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए। जब आप लोग संविधान के अंदर जाओगे पार्ट 3 में तो फंडामेंटल राइट आप लोगों के रखे हुए आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के अंदर आप लोग जाओगे तो एक आर्टिकल है आर्टिकल 25। ये आर्टिकल 25 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। आर्टिकल 25 का जो फर्स्ट है वो आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोगों के पास में हक है, ठीक है। आप लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं, यानी कि अपने रिलीजन को स्वीकार करना, उसका अभ्यास करना और उसका प्रचार करना, ये आर्टिकल 25 में देता है और ये आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपनी बुद्धि के हिसाब से जो भी आप लोगों को सुटेबल लगता है, आप लोगों को राइट है, ये अधिकार है, आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। पर लेकिन इसी के साथ में एक आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं, हर एक चीज के साथ में एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। अगर कुछ भी आप लोग काम कर रहे हैं तो यहां पर वो आप लोगों का एक तो अधिकार हो गया एज ए इंडिविजुअल, आप लोगों का अधिकार हो गया फंडामेंटल राइट, पर एक सोसाइटी के बारे में भी आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि सोसाइटी में और आपके राइट में अगर आप लोगों का राइट सोसाइटी के राइट पर इंपैक्ट डाल रहा है तो सोसाइटी के राइट को ज्यादा पावर दी जाएगी। मतलब उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, मान लीजिए कोरोना हो गया कोई ए पर्सन को और ए पर्सन जो है वो यहां पर पब्लिक में घूम रहा है और पब्लिक में घूमकर उसने और 50 लोगों को कोरोना की बीमारी लगा दी, तो यहां पर ये बोलेगा नहीं मेरे पास तो फंडामेंटल राइट है, मैं पब्लिक में घूम सकता हूं। अरे भाई तू पब्लिक में घूम तो रहा है, कोई तुझे बोल थोड़ी ना रहा है, तू घूमना पब्लिक में, पर लेकिन ये तो देख तेरी हालत कैसी है, तू लोगों को बर्बाद कर रहा है यहां पर, लोगों को बीमार कर रहा है, तो यहां पर इस टाइम पर इस इंसान को पकड़कर
पिंजरे में डाला जाएगा ले जाकर, कि तुमको घर पर बैठ, पिंजरे मतलब इसको घर पर रखा जाएगा कि घर पर बैठ तू आराम से अपने लाइफ को एंजॉय कर, तो ये सारी चीजें जो है एक कमरे में मिलती रहेगी और वहां पर बैठ पबजी खेल। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि जब तुम्हारा खुद का अधिकार जो है दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल दे, कुछ ऐसी हरकतें करेगी पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद कर दे, आप पब्लिक में जाकर मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन पब्लिक में जाकर गाली दे रहा है दबाकर, ठीक है, एक रिलीजन को गाली दे रहा है, कभी किसी को गाली दे रहा है, तो ये कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी कि अपना खुद का अधिकार के बदले में दूसरों के अधिकार को हनन कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो बोला यही जा रहा है कि जो ग्राउंड है यहां पर, एक तो पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर का एक शालीनता बनाकर आप लोगों को रखनी है, मोरालिटी रखनी है, हेल्थ या फिर अदर जो भी स्टेट के इंटरेस्ट है अगर उनके बारे में बोला जाएगा आप लोग कुछ करने के लिए, तो आप लोगों को करना पड़ेगा। कहने का मतलब यहां पर यह है कि अपनी दादागिरी नहीं चलानी है कि भाई साहब हम तो फंडामेंटल राइट है, हम तो देश में रहते हैं, वो सब चीजें, वो सारी चीजें तब रहेगी जब इंसान जिंदा रहेगा, इंसान ही जिंदा नहीं रहेगा तो क्या कर लोगे, तो ऐसा कैसे चलेगा भैया, वो वाली बात यहां से निकलकर आ जाती है। अभी यहां पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और कुछ केसेस के बारे में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर आप लोग चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, वरना पीडीएफ आप लोगों के पास में रहती है, बाद में भी आप लोग इससे देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों बिल्कुल ही चीजों को समझो, अगर चीजें समझ में आ जाएगी तो चीजें मिल जाएंगी। सारी पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूं, कोई भी आप लोगों यहां पर बेसिकली टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर कई सारे मुद्दे निकल कर आते हैं। अब यहां पर जब भी कोई फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करते हैं या फिर फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आ जाओ भाई मैं देखता हूं तुम्हारी क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। तो क्या इससे पहले कोई केस उसके ऊपर आया, क्या उसके पहले कोई उसके ऊपर बातें की गई है, तो फिर पुराने अपने जो भी है मुद्दे उसको सुप्रीम कोर्ट उठाकर देखते हैं और चेक करता है कि पास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई डिसीजन दिया है। तो जब यहां पर देखा गया तो यहां पर बेसिकली देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर पहले भी इसके बारे में बात की गई है कि कैसे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और कैसे उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, फिर क्या क्या चीजें इग्नोर की जा सकती है, उसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोग को बताने वाला हूं। क्या है बातें, अगर बात करें यहां पर सिरूर मुत ये केस आया यहां पर बेसिकली 1954 में, तो यहां पर बोला गया जो रिलीजन है, ठीक है, और रिलीजन के अंदर जो रिचुअल्स हैं या फिर जो प्रैक्टिस है जो फॉलो की जाती है अपने अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए, जैसे नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कोई इंसान जो है दिया जला रहा है, मूर्ति पूजा कर रहा है, कोई इंसान जो है नवाज पढ़ रहा है, ठीक है, कोई इंसान अलग तरीके से अपनी जो है रिलीजियस एक्टिविटी को फॉलो कर रहा है, तो क्या ये उसका इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि क्या इसके बिना जो है रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो नहीं की जा सकती, क्या वो रिलीजन में मेंशन है वहां पर आप लोगों की जो रिलीजियस बुक होती है, तो अगर ऐसा है तो वो फंडामेंटल राइट का पार्ट हो गया आर्टिकल 25 का, ठीक है। तो ये चेक करने वाली बात आती है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या फिर नहीं है, या इंटीग्रल पार्ट है या फिर नहीं है, ये चेक करने की बात आती है। तो जुडिशियल जो डिटर्मिनेशन जो जुडिकल यहां पर एक तरीके से डिटर्मिनेशन इनके द्वारा किया जाता है, कई बार लीगल एक्सपर्ट जो है वो यहां पर क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों, क्योंकि जुडिशरी जो है वो अपने हिसाब से काम करती है कई बार नजर आती है। कई सारे लोग तो ये बोलते हैं जुडिशरी की मनमानी चल रही है, जैसा मन करता है उधर को मोड़ लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों बोला गया, उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूं कुछ उदाहरण। यहां पर आप लोगों को देखने को मिला क्या एसेंशियल प्रैक्टिस है, तो यहां पर बोला गया जो यहां पर बेसिकली जो तांडव जो डांस है नॉर्मली, तो इसको बोला गया कि पब्लिक में इसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता भले ही आप लोगों की ये रिलीजियस प्रैक्टिस हो। तो कई सारे स्कॉलर ये हैं कि बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ना एक तरीके से दादागिरी दिखाता है, कई बार जो मन करता है उसको बोल देता है ठीक है ये सही है, मन करता है तो नहीं बोल देता है नहीं सही है, और जहां पर कुछ नहीं चलता है वहां पर वो क्या करता है वो अपनी अड़ा देता है लाकर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज जिसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। क्योंकि केशवानंद भारती का जब केस आया था 1973 में, तो केशवानंद भारती से एक स्ट्रक्चर निकल कर आया जिसको बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, यानी कि हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट है उसको पूरा अधिकार है हमारे संविधान को चेंज करने का, ठीक है, पर लेकिन वो यहां पर उतना ही चेंज कर सकती है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को हनन न करे। अब यहां पर पार्लियामेंट तो पहले खुश हो गई, वाह यार पूरा अधिकार दे दिया यहां पर संविधान को चेंज करने का, पर लेकिन फिर ये बोल दिया बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे। अब पार्लियामेंट ने पूछा कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो ये तो बता दे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला टेंशन नहीं लेने का, तुम अपना काम करो और जब भी हमको लगेगा तुम बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर रहे हो केस टू केस हम तुमको बता देंगे, यानी कि इनडायरेक्ट वे में सारे पत्ते अपने हाथ में रख लिए कि तुम अपना काम करते रहो, अगर हमको लगेगा तुम अपने दायरे से बाहर जा रहे हो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहे हो तो तुरंत हम लोग वहां पर प्रकट हो जाएंगे और हम तुमको बोलेंगे बस इससे आगे पैर मत निकालना वरना तुम्हारे पैर तोड़कर गले में डाल दिए जाएंगे। मतलब कि एक तरीके से पार्लियामेंट को जो है वो यहां पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ये बातें यहां पर बोली गई, कहने का मतलब ये कि यहां पर कोर्ट जो है उसने बोला कि संविधान को प्रोटेक्ट करने का काम हमारा है, ऐसा नहीं होने देंगे जैसा 1975 से लेकर 77 तक देखने को मिला, इतने सारे संविधान में संशोधन कर दिए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट निकल कर आया उसको हम लोगों ने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला, क्योंकि भाई साहब चेंज इतने सारे कर दिए गए कि एक छोटा सा संविधान तैयार हो गया बन बनकर, तो इसलिए वहां पर ये चीजें देखने को मिली। तो ये सारी बातें जो है वो बेसिकली ध्यान में रखते हुए बात की जाती है कि बेसिक स्ट्रक्चर यहां पर होनी चाहिए। तो इसलिए कोर्ट जो है टाइम टू टाइम बोला तांडव ही फैक्ट यहां पर इसका पार्ट ही नहीं है, आप लोग इसको बोले तो अपना घर पर इसको अच्छे से एंजॉय करो, तो ये बात बोलेगी। केस नंबर वन। केस नंबर टू एक और ऐसे ही देखने को मिला यहां पर, ये 2016 में एक बेसिकली मुस्लिम एयरमैन था यहां पर, वो अपनी दाढ़ी को लेकर बेसिकली
चाहता था कि मतलब एक तरीके से जो बियर्ड है जो दाढ़ी है वो यहाँ पर वो बढ़ाए, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर जो एयरफोर्स, जो इंडियन एयरफोर्स का जो एक्ट है उसके तहत यहाँ पर जो आर्म एयरफोर्स रेगुलेशन 1964 का एक्ट है उसके हिसाब से बोला जाता है कि आप लोग बियर्ड वगैरह नहीं रख सकते, ठीक है। तो उसके चलते जब चेक किया गया इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला सही है कि इस रेगुलेशन को फॉलो करो, क्योंकि ये इंडिविजुअल की बात नहीं है यहाँ पर, ये पूरी फोर्स की बात है, तुम्हारी अकेले की बात यहाँ पर नहीं है। तो इसके चलते जबकि सेम बात अगर बात करें पूरी कम्युनिटी के बारे में, जैसे रिलीजियस कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी के बारे में आप लोग बात करें, ये बोला गया कि तुम्हारे रिलीजन को बेसिकली यहाँ पर बोला गया कि रिलीजन में ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पर दाढ़ी जो है उसमें कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। तो पर्सन जो रिलीजन है प्रोहिबिट अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर आप लोगों के धर्म में इसको रोका गया, तो ये उसका एक एसेंशियल पार्ट नहीं है। जबकि अगर बात करेंगे आप लोग सिख कम्युनिटी के बारे में तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा 5K जो है यहाँ पर पार्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे, जैसे केस हो गए तो केस यहाँ पर बकायदा मेंशन किया गया है, ठीक है। उसी के साथ में कंघा भी मेंशन किया गया कि अपने बालों को कैसे मेंटेन रखना है। करा जो हो गया यहाँ पर ये इनका पार्ट देखने को मिलेगा। कहीं भी कुछ भी हो जाए आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली अपना जो यहाँ पर कृपाण है उसको लेकर जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि रिलीजियस पार्ट है यहाँ पर ये, ठीक है। और ये कचेरा हो गया जिसको बेसिकली यहाँ पर ये जो हाफ निक्कर या फिर आप लोग बेसिकली कचेरा से कच्छा बोलते हैं इस तरीके से, तो हाफ निक्कर बोल देते हैं एक तरीके से, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज मत लेना। अगर आप लोग दिखते रहिए ना कई बार शब्द को थोड़ा सा उस तरीके से बोलने से कई सारे लोगों को लगता है क्या बोल दिया, तो ये थोड़ा सा यार देखो बीइंग ए टीचर मुझे चीजें समझानी पड़ती है, क्योंकि मान लीजिए कोई सिख कम्युनिटी का बंदा यहाँ पर सुन रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कचेरा को जिस तरीके से बोला कि मैंने हाफ निक्कर बोल दिया इस तरीके से, तो कई सारे लोगों को ये लगेगा यार क्या बोल दिया, मतलब कुछ और अगर प्रोनाउंस आप लोग करते हो तो देखिए लेक्चर जो है वो अलग अलग रिलीजन के बहुत सारे लोग सुनते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इसकी वजह से मैं कोशिश तो ये करता हूँ, देखिए यार जितना मुझे पता है अपने नॉलेज के हिसाब से उसके हिसाब से मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और अपने आपको इतना न्यूट्रल भी रखने की कोशिश करता हूँ ताकि किसी रिलीजन को मेरी वजह से कोई मतलब मैं हर्ट ना करूं, पर फिर भी अगर गलती से कोई हो जाए तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी पहले ही मैं बोल देता हूं, क्योंकि रिलीजियस मैटर यार ऐसे हैं हर एक इंसान के खुद के सेंटीमेंट्स हैं, ठीक है। हो सकता है किसी चीज में मैं बिलीव ना करता हूं सामने वाला बहुत बिलीव करता हूं, या फिर किसी चीज में मैं बिलीव करता हूं सामने वाला बिलीव ना करता हूं, तो मुझे कोई हक नहीं बनता है किसी के रिलीजन के बारे में कोई कमेंट करने का। तो इसलिए यहां पर कई बार मैं टीचर के नाते अगर पढ़ाता हूं तो उसको उस तरीके से मत लिया करो, क्योंकि कई सारे कमेंट आते हैं, कई बार मैंने देखा मेल भी लिख देते हैं कई सारे बच्चे, तो उसको उस तरीके से मत देखा करो। किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आप लोगों को समझा रहा हूं तो मेरा पर्पज ये रहता है कि आप लोगों को आर्टिकल समझ में आए, ठीक है। नाम लेना नहीं है, हालांकि लेना नहीं चाहिए आर्टिकल में, पर लिखा हुआ है आर्टिकल में तो लिख रखा है ना आर्टिकल राइटर ने, मैं उसको इग्नोर कर सकता हूं, पर मैं इसलिए बोल देता हूं कई बार ताकि आप लोग आर्टिकल का एसेंस समझ सको प्रॉपर वे में, वरना मैं किसी का भी नाम ना लूं, ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का, ना आम आदमी पार्टी का, ठीक है। पर लेकिन वो हमारे बीच में है ऑलरेडी एक तरीके से, तो उनको समझना आसान रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा नाम ले देता हूं, वरना ऐसा नहीं है, कई सारे बोलते हैं सर आप तो यहां पर मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हो, या कई सारे बोलते हैं कई बार बोलते हैं कि बीजेपी कई मुद्दों पर ऐसे बोलते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, कोई बोलते हैं कांग्रेस को अपोज कर रहे हो राहुल गांधी जी को, ये सारी चीजें साइड में रखो, एक अपनी पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखो, ठीक है। आगे चलते हैं, ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को सुनना है। अभी यहां पर अगर इसके बारे में बात करें हिजाब के बारे में, तो केरला हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया था यहां पर एक पर्टिकुलर केस है, यहां पर अनंत बिंत बसीर वर्सेज सीबीएसई का केस था यहां पर, तो उसमें बोला गया हिजाब को पहनने की जब बात आई यहां पर, तो बोला गया कि यहां पर एसेंशियल प्रैक्टिस है इस्लाम के अंदर में, और यहां पर डिजर्व करता है प्रोटेक्शन आर्टिकल 25 के अंदर में, ये बोला गया खुद यहां पर केरला हाईकोर्ट के द्वारा कि ये एक तरीके से पार्ट है, ठीक है। पर लेकिन फिर मुद्दा क्या निकल कर, मुद्दा ये आया फिर बाद में सीबीएसई के ऊपर छोड़ दिया कि उसको क्या डिसीजन लेना है, आखिर सीबीएसई के ऊपर क्यों छोड़ा गया, तो वो आप लोगों को यहां पर केरला हाईकोर्ट जो यहां पर फातिमा जो तस्नीम वर्सेज स्टेट ऑफ केरला केस 2018 का, ये भी 15 का केरला का था, यहां भी 18 केरला का था, इसमें बोला गया कि आप लोग हिजाब जो है वो पहन सकते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन का ये इंटरेस्ट है, उसका राइट है, उसको पहन सकते हैं। पर लेकिन जब बात करते हैं फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट के बारे में, तो उनका भी एक अधिकार है और पब्लिक इंटरेस्ट में उनको एक हक है कि सारे स्टूडेंट जो है वो एक जैसे लगने चाहिए कॉलेज के अंदर, ऐसा नहीं कि कोई यहां पर किसी तरीके से कुछ पहन कर रहा है कुछ पहन कर रहा है, वो एक यूनिटी एक यूनिफॉर्मिटी बनाकर रखना चाहते हैं कॉलेज या फिर स्कूल के अंदर, तो उनका अधिकार है, उनका भी एक फंडामेंटल राइट है, उसको फॉलो कर सकते हैं, और उनका अधिकार जो है एक इंडिविजुअल के अधिकार से ज्यादा माना जाएगा, यानी कि यहां पर बोल दिया गया प्रैक्टिस भी है और यहां पर बोल दिया गया ज्यादा माना जाएगा, तो इसके ऊपर आने वाले टाइम में और ज्यादा क्लैरिटी आप लोगों को देखने को मिल सकती है अगर केस को थोड़ा आगे लेकर चला जाएगा तो। अभी फिलहाल ये मुद्दे हैं। लेकिन राइटर क्या बोल रहे हैं, राइटर ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने यहां पर लिख तो दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, पर लेकिन आप लोग पब्लिक इंटरेस्ट को कैसे देख रहे हो ये तो देखना पड़ेगा, आखिर किस लेवल पर आप लोग इसको पब्लिक इंटरेस्ट बोल रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि यहां पर मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाला काम चल रहा है, इनके द्वारा दबा दबाकर यहां पर बेसिकली उसको बीजेपी को क्रिटिसाइज किया गया, तो यहां पर इनके द्वारा बोला गया कि पब्लिक इंटरेस्ट को अलग तरीके से नहीं देखना आप लोगों को, पब्लिक ऑर्डर को किस तरीके से देख रहे हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट का हनन किया जा रहा है मुस्लिम वुमेन का, ये इनके द्वारा बोला गया, उनकी एजुकेशन या फिर डिग्निटी का हनन किया जा रहा है,
और हम लोग एक पैट्रियारिकल सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग एक पुरुष प्रधान सोसाइटी में रहते हैं जहां पर काफी ज्यादा आप लोगों हिपोक्रिटिकल आप लोगों चीजें देखने को मिलेगी। कई सारे पैट्रियारिकल कमेंट यहां पर वुमेन पे किए जाते हैं, इवन यहां पर इनके द्वारा यहां तक बोल दिया गया कि ओनली प्राइम मिनिस्टर जो थी हमारी कंट्री में इंदिरा गांधी और ओनली प्रेसिडेंट यहां पर प्रतिभा जी जो पाटिल जी थी हमारी प्रेसिडेंट। तो यहां पर ये दोनों भी अगर पब्लिक में जाती थी तो अपने जो सर पर कपड़ा रखकर निकला करती थी, क्यों? क्योंकि एक तरीके से यहां पर इज्जत मानी जाती है पैट्रियारिकल सोसाइटी के अंदर में, यानी कि पुरुष जो है वो कैसे भी घूम ले पर लेकिन वुमेन जो है उनको यहां पर एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो अगर कोई हिजाब पहन रही है या फिर हिजाब नहीं पहन रही है तो यहां पर पुरुष प्रधान देश में यहां पर इस तरीके से देखना चाहिए कि उनके खुद के अधिकार होने चाहिए, ना कि आप लोग उनको गाइड करोगे तुमको ऐसा करना चाहिए। तो ये उनका खुद का अधिकार होना चाहिए, ये बातें यहां पर बोली गई है। अच्छा, आप लोगों से पूछो, अगर मैं बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? अगर ये हिजाब पहन के कॉलेज या स्कूल के अंदर जा रहे हैं, आप लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, आप लोग मान लीजिए मुस्लिम कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, या सिख कैटेगरी से आते हैं, तो यहां पर आप लोगों से पूछ लिया जाए डायरेक्ट क्वेश्चन कि आप लोग इसको कैसे देखते हैं, तो आप लोग कैसे जस्टिफाई करोगे उसको, तो आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है। वैसे जो भी आर्टिकल में मैंने बताया है, जो भी केसेस मैंने बताए उनको भी रेफरेंस में रखकर आप लोग अपनी बातें कर सकते हो। एक पढ़ा लिखा इंसान जैसे एक रिप्लाई करता है उस तरीके से आप लोग बोल सकते हो, यानी कि गाली गलौज नहीं करनी किसी भी तरीके से, ठीक है, तो वो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, तो ये हो गया पूरा आर्टिकल, आइए अब चलता हूं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर लेकर। हमारा देश जो है यहां पर अभी दवाई बनाने में काफी ऊपर आप लोगों को देखने को मिला और बोला गया सेल्फ रिलायंट हम लोग होने वाले हैं, यानी कि आत्मनिर्भर हम लोग होने वाले हैं, तो इसके चलते हमारी कंट्री में आत्मनिर्भर प्रोग्राम भी चलाया गया। पर लेकिन रियलिटी में अगर हम लोग बोले कि हम लोग आत्मनिर्भर होने वाले हैं तो क्या रियलिटी में आत्मनिर्भर होने वाले हैं? तो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है यहां पर और इसी के साथ में हेल्थ, तो जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर ये आर्टिकल आप लोगों का कवर हो जाएगा। पूरा डिटेल में कवर करूंगा क्या क्या बातें, अगर आप लोग समझ पाएंगे तो ढंग से चीजों को अंडरस्टैंड करके चलेगा, चीजें आप लोगों को काफी अच्छी लगेंगी। आखिर मुद्दा क्या है? मुद्दा यहां पर यह है कि हमारे देश में भी क्या किया गया आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत में, जो यहां पर PLI बोलते हैं इसको बोलते हैं बेसिकली प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का मतलब क्या मतलब है? इसका मतलब यह कि अगर आज के डेट में आप लोग अपने घर पर कोई चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो प्रोडक्शन आप लोगों का देखने को मिल रहा है अगर वो प्रोग्रेसिव है, यानी कि अब जो प्रोडक्शन किया आगे आने वाले टाइम में जो प्रोडक्शन करेंगे पहले वाले से ज्यादा है तो आप लोगों को गवर्नमेंट जो है वो छूट देगी, टैक्स में आप लोगों को छूट दे सकती है, रॉ मटेरियल में आप लोगों को छूट दे सकती है, आप लोग जो भी सामान बना रहे हैं ताकि और अच्छे लेवल पर आप लोग प्रोडक्शन करो, आप लोगों को एक तरीके का प्रोत्साहन ही रहेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। बेसिकली ये जो स्कीम है काफी ज्यादा यहाँ पर न्यूज में आई थी स्टार्टिंग में, यहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट के लिए जैसे कि फार्मास्यूटिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो बहुत सारी चीजों के लिए यहाँ पर ये स्कीम लेकर आएगी, ठीक है। तो बोला गया यहाँ पर कि आप लोग 4 से 6% तक इंक्रीमेंटल अगर सेल आप लोगों की देखने को मिल रही है, यानी कि अगर पहली बार आप लोगों ने कुछ बेचे यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए आप लोगों का बेसिकली यहाँ पर जो आज अगर वर्थ आप लोगों की देखने को मिली तो नेक्स्ट ईयर जो है आप लोगों की यहाँ पर 1100 करोड़ होनी चाहिए, यानी कि लगभग 100 करोड़ का आप लोगों का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो बोला गया फर्स्ट ईयर जो बेनिफिट है वो आप लोगों को 6% यहाँ पर इन द केस ऑफ मोबाइल 6% दिया गया, प्रोड्यूसर जो है वो यहाँ पर 6 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिलेगा बजट के अंदर में, ये बोला गया, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर इंक्रीमेंटल जो है यहाँ पर अमाउंट जो है वो फॉल कर सकता है 2-4%, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कहने का मतलब ये कि 4 से 6 तक का यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा अगर बेस ईयर के मामले में आप लोग ज्यादा अचीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मोबाइल फोन के लिए यहाँ पर बोला गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्रीमेंटल बेस पर दिया गया और यहाँ पर ये चीजें जो थी यहाँ पर बेस ईयर को ध्यान में रखते हुए डिफाइन की गई, यानी कि अगर प्रोडक्शन आप लोग अच्छे लेवल पर कर रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा, ये बातें यहाँ पर बोली गई। आखिर यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया हमारे देश में? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आज के डेट में चाइना से हम लोग काफी माल खरीद कर लेकर आते हैं, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, API बोलते हैं इसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मतलब क्या है, जो भी आप लोग ये दवाइयां ये गोलियां आप लोग बनाते हैं इनके अंदर जो माल पानी मिला रहता है उसको बोलते हैं API, ठीक है, जो मिक्सचर रहता है ये यहां पर चाइना से काफी लार्ज स्केल पर खरीद कर लेकर आते हैं। ड्रग इंटरमीडिएटरी भी कई बार बोलते हैं चीजों को, ठीक है, उसको भी यहां पर यूज कहते हैं। इसी के साथ में की स्टार्टिंग मटेरियल, कोई भी चीज अगर स्टार्ट करनी है उसका जो बेसिक मटेरियल होता है जो रॉ मटेरियल आप लोग बोलते हैं वो जो यहां पर चाहिए तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो मैक्सिमम कंट्री जो है वो चाइना से खरीद कर लेकर आ रही थी, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थी, पर लेकिन अभी चाइना से जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट नहीं हो पाई तो इसलिए हम लोगों ने अपने देश में यहां पर कुछ ऐसा काम कर दिया, ठीक है, कि हम लोग अपने देश में जो आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत इसको लॉन्च करेंगे। तो हुआ क्या, यहां पर हमारे देश में लगभग 3000 के करीब जो फिल्म्स हैं उनमें से यहाँ पर जो एप्लीकेशन जो रिसीव किए ओनली ये 239 एप्लीकेशन यहाँ पर आए, यानी कि 239 एप्लीकेशन हमारे बेस पर आए, ठीक है। इसमें से 61 एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट किए गए, उसमें से 11 ने अपने आप विड्रॉ कर लिया
और यहां पर बात करें तो 50 बच गए, यानी कि दिसंबर 9 2021 में यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ 136 बेनिफिशियरी जो मेंशन किए गए गाइडलाइन के अंदर में, और आज की डेट में अगर बात करें 41 ऐसे एरिया थे जहां पर ये स्कीम इंप्लीमेंट करने की बात की गई, ओनली उसमें से यहां पर 41 में से 5 तो ऐसे हैं जहां पर कोई बेनिफिशियरी आया ही नहीं, यानी कि जहां पर कोई निकलकर ही सामने नहीं आया, यानी कि जैसा एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी वैसी ये स्कीम काम करती नजर नहीं आई। राइटर जो है वो ये बोल रहे हैं, यानी कि राइटर का ये मानना है कि जितने बखान इस स्कीम के उड़ाए गए थे वो स्कीम उस लेवल पर काम नहीं कर रही है, तो ये बातें यहां पर सामने निकल कर आई। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम की जो रिक्वायरमेंट जो मॉडिफिकेशन है उसके बारे में आप लोग बात करते हैं, तो यहां पर कई सारी बातें बोलेगी। बोला गया इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने एपीआई डीआई या फिर केएसएम, मतलब क्या यहां पर जो मैंने अभी बताया आप लोगों को एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ड्रग इंटरमीडिएटरीज और की स्टार्टिंग मटेरियल, तो इनके लिए सेल्फ रिलायंट अगर आप लोगों को बनाना है तो सबसे बड़ी बात यहां पर ये होगी कि आप लोग जो चाइना से माल खरीद कर लेकर आते हैं उसके कंपेयर में हमारा माल जो है वो सस्ता होना चाहिए और उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें आप लोग फुलफिल कर पाते हो तो आप लोग यहां पर इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो इसके चलते आप लोग उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि जो आप लोग सामान जो है यहां पर वो चीपर होना चाहिए एज कंपेयर टू जो आप लोग यहां पर इंपोर्ट करें उसके कंपेयर में, यानी कि बनाने वाला सामान आप लोगों का सस्ता होना चाहिए जो आप लोग खरीद कर लेकर आ रहे हैं, वरना अगर बनाने में ज्यादा कॉस्ट आ रही है तो आप लोग सोचो कि यार बना के मेहनत क्यों करनी है, बाहर से बना बनाया ले हो, तो ये देखने को मिलेगा। इसमें एक तो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ही होता है और इसमें सबसे बड़ा जो सपोर्टिंग रोल होगा होगा टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी काफी क्रूशियल रोल यहां पर प्ले करती है क्योंकि चाइना में जो प्रोड्यूसर है वो काफी लार्ज स्केल पर अपने ऑपरेशन चलाते हैं और काफी लार्ज स्केल पर वो चीजों को बेचते भी हैं, पर हमारी कंट्री में अभी यहां पर टेक्नोलॉजी जो है पीएलआई स्कीम का यहां पर अभी कंपोनेंट ही नहीं है, यानी कि अगर आप लोग कुछ अपग्रेड करना चाहते हैं पीएलआई स्कीम में तो उसको टेक्नोलॉजी उसमें कंपोनेंट ही नहीं डाला गया है, तो आप लोगों को क्या लगता है यहां पर जब टेक्नोलॉजी कंपोनेंट ही नहीं है तो यहां पर कैसे आप लोग यहां पर चीजों को अच्छे लेवल पर ले सकते हो, तो वो कह रहे हैं कि तुम प्रॉफिट करो उसमें जो आएगा उसके बेस पर हम लोग तुमको इंसेंटिव देंगे, जबकि ये होना चाहिए था अगर कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर अपनी टेक्नोलॉजी को ला रहे हो आप लोग उसके बेस पर हम लोग इंसेंटिव देंगे, पर इनका देखने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है, तो इसलिए यहां पर ये सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में बोला गया कि इंडिजिनस जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारे देश में जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं हमारे देश में वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ में मिलकर अगर काम करे तो कुछ हो सकता है, पर लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ देखने को जल्दी से मिलता नहीं है। पीएलआई जो है वो यहां पर स्टैंड यहां पर बात की जा रही है स्टैंड लोन अलग आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी जिसमें यहां पर पॉलिसी मेजर जो है वो सपोर्ट रोल प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, और हिस्टोरिकली अगर आप लोग उठाकर देखोगे हमारी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर जो है ठीक है तो वो एक तरीके से ज्यादा है, एक तरीके से इतना इंटरेस्ट जो है उतना इंटरेस्ट लगता नहीं है यहां पर बेसिकली एपीआई में, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो कि दवाई बनाने का काम करते हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट प्राइवेट सेक्टर लगता नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि मैक्सिमम चीजें जो है बनी बनाई सस्ती चाइना से मिल जाती है, अपने देश में टेक्नोलॉजी को कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है इस फील्ड में, तो इसके चलते देखने को मिलेगा। तो फिर करे तो करेगा, तो स्कीम तो उस लेवल पर काम कर नहीं रही, इसलिए लोग ओनली यहां पर 51 आप लोगों को 50 देखने को मिले यहां पर लोगों के द्वारा विड्रॉ कर लिया गया। तो बोला ये गया कि अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यहां पर आने वाले टाइम में अपने जो पीएसयू हैं, जो पीएससी हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज उनको हम लोग काम में ला सकते हैं हेल्थ के मामले में, क्योंकि हेल्थ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर। अच्छा अगर मैं आप लोगों से पूछूं संविधान के अंदर हेल्थ को कहां पर रखा गया, किस लिस्ट के अंदर रखा गया, ये आप लोगों को बताना है, और पहले किस लिस्ट में था आप किस लिस्ट में है, कुछ ऐसा भी हुआ क्या, अगर हुआ है तो कौन सा संविधान में संशोधन किया गया है, तो ये बेसिक चीजें बताऊंगा फिर आप लोग कर इसके बारे में आप लोग अटेम्प्ट करिए तब तक, ठीक है। तो यहां पर बेसिक मुद्दा यहां पर ये है कि हमारी इंडिजिनियसली जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तब बढ़ेगी अगर प्राइवेट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट न रहकर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को लेकर आए, क्योंकि हेल्थ जो है वो काफी इंपोर्टेंट पार्ट हो जाते हैं अगर आप लोग चाहें जो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट को सही तरीके से लेकर चलना, तो ये कई सारी बातें यहां पर बोलेगी। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एक स्कीम के बारे में कि हाँ प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में, तो कोई पूछ ले आप लोगों से और उसके ऊपर क्वेश्चन भी बन रहे हैं रिसेंटली अभी, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। कुछ और बातें अगर आप लोग इसमें ऐड करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पर ये कॉस्ट इफिशियंसी यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ में ड्राइवर का पार्ट करें वो, पॉलिसी सपोर्ट अच्छी मिले और यहाँ पर इंक्रीज करे इसमें इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई पे, तब जाकर कोई भी काम जो है वो ढंग से चल पाएगा, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो अभी यहां पर देखते हैं कैसे हम लोग आगे लेकर चल पाते हैं यहां पर जो कि यहां पर जो पब्लिक जो यहां पर जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है उसको, और यहां पर कितना सपोर्ट हम लोग दे पाते हैं, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे भी आप लोग अगर कुछ लिखने के लिए आते हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, इकोनॉमिक ड्राइवर होना चाहिए यहां पर एक तरीके से इकोनॉमी को सही लेवल पर लेकर चले, पॉलिसी का सपोर्ट मिले और इंक्रीज रहे इसमें इन्वेस्टमेंट, तो ये माहौल हम लोग को बनाना होता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग यहां पर ऐड कर सकते हैं, खासकर अगर आंसर राइटिंग के बारे में बात करें तो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर तरीके से आप लोग को बताया। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर डिजिटल मुद्दों के बारे में, जब आप लोग बात करते हैं तो ऐसे आर्टिकल कई बार आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ ले आते हैं और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आप लोग का ये आर्टिकल बन जाएगा। स्टार्ट करता हूं यहाँ पर एक रिपोर्ट के साथ में जो कि आप लोगों से पूछी भी जा सकती है एग्जाम में। बात की जा रही है डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट 2021 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा,
ये जो जिसको UNCTAD आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा बोला गया डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट 2021, उस रिपोर्ट में इनके द्वारा बोला गया कि फिलीपींस भी यहां पर 6 कंट्री के साथ में मिलकर आ गया है जो चाहते हैं कि क्रॉस बॉर्डर जो डेटा है वो उसको यहां पर सपोर्ट किया जा सके। मान लीजिए हमारे देश में आज के दिन में कई सारी यूएसए की कंपनी काम कर रही है, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, अब हमारा डेटा इनके पास में, तो हमारा डेटा जो है ये चाहे तो यहां से ले जाकर अपने देश में ले जा सकते हैं, आसानी से उस डेटा को एंजॉय कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, डिजिटल इकोनॉमी को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा और कंट्री जो है फायदा पहुंचेगा एक दूसरे को। तो फ्री फ्लो जो डेटा क्रॉस बॉर्डर इनके द्वारा बात की गई, और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, सिंगापुर और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इनके द्वारा मिलकर यहां पर 6 कंट्री के द्वारा और एक हो गया फिलीपीन, एक दूसरे को सपोर्ट किया गया। जो कंट्रीज है ये यूज करिए लाइट एक टच अप्रोच, तो लाइट जो टच अप्रोच है यहां पर इसका मतलब क्या है, यानी केयरफुली और सेंसिटिवली हम लोग को ये चीजें हैंडल करनी है, ऐसा नहीं किसी का प्राइवेसी का डेटा हनन हो, इस तरीके से डेटा को हम लोग को यूज करना है। पर लेकिन इनके द्वारा जो ये बातें बोली गई वो बातें जो है कई सारे जो लोगों के द्वारा सपोर्ट नहीं की गई, जैसे कि रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच लेकर चलते हैं, गार्डेड अप्रोच लेकर चलते हैं, वो कौन है, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। तो ये इस तरीके की कंट्री है यहां पर जो अपनी कंट्री का डेटा वो नहीं चाहते हैं बाहर जाए, पर फिलीपींस जो है वो बोल रहा है कि लाइट टच जो अप्रोच लेकर हम लोग चल सकते हैं, जिसके चलते डेटा को सही तरीके से यूज किया जाए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ना कि कंप्लीटली डेटा को बैन कर रहे हैं, तो उसके बारे में यहां पर बात की गई। अगर बात करें UNCTAD के बारे में, उसके द्वारा बोला गया कि इनेबल करना चाहिए फ्री फ्लो ऑफ द डेटा, इंटरनेशनल लेवल पर डेटा फ्लो होना चाहिए, तो वर्ल्ड वाइड डेटा शेयरिंग होगा, सबको फायदा पहुंचेगा, डेवलप करेंगे ग्लोबल डिजिटल एक तरीके पब्लिक गुड बन पाएंगे, ट्रस्ट इंक्रीज होगा और अनसर्टेनिटी जो होती है यहां पर कि कल को पता नहीं क्या हो गया उसको भी हम लोग यहां पर रिड्यूस कर पाएंगे। तो ये कई सारी बातें इनके द्वारा बोलेगी, यानी कहने का मतलब यहां पर ये है कि यहां पर ये सपोर्ट कर रहे हैं कि डिजिटल गुड्स जैसी इस तरीके की चीजें हैं उनको हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि सही लेवल पर यहां पर चीजें चल सके। तो ये बातें जैसे इनके द्वारा यहां पर बोलेगी तो उसके चलते काफी सारी बातें सामने निकल कर आएगी। अभी आज की डेट में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आप लोगों को बताता हूं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली थी अभी नवंबर के महीने में, ठीक है। तो नवंबर के महीने में जो मीटिंग होने वाली थी, नवंबर दिसंबर के महीने में, 30 नवंबर से लेकर और लगभग 3-4 दिसंबर तक चलने वाली थी, पर कोविड-19 के चलते यहां पर ये जो 12th इनकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी जिसको MC12 बोला गया वो यहां पर कैंसिल कर दी गई। तो उसमें यहां पर इस मुद्दे को काफी ज्यादा सुना जाने वाला था जो अभी ये डिजिटल का मुद्दा मैंने बोला आप लोगों को, ठीक है। तो उसके चलते यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था और ग्लोबल लेवल पर इंडिया जो है वो यहां पर इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको ये लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो हमारे डेटा का मिसयूज कर सकते हैं। पर लेकिन इंडिया जो है यहां पर थोड़ा सा तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि कंप्लीटली आप लोग बैन लगा सकते हैं, ठीक है। अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो वो यहां पर फैसिलिटेट करता है ऑल ओवर वर्ल्ड में व्यापार कैसे चल रहे हैं, और यहां पर ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया स्टेट पीसीएस के अंदर भी और यूपीएससी के द्वारा भी। इनका नाम याद रखेगा नकोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है। तो ये नाइजीरियन पर्सनैलिटी है, पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी यहां पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहां पर इनके चलते यहां पर काफी ज्यादा न्यूज में आ गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको मैं बार बार यूज कर रहा हूं वर्ड, तो याद रखेगा ये कहां से निकल कर आया, तो जनरल एग्रीमेंट था यहां पर टैरिफ एंड ट्रेड जिसको आप लोग GATT बोला करते थे, 1947 में बनाया गया था और इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर भी रहा। फिर आगे लगा कि यार ये तो ओनली किसके बारे में काम करता है, ये गुड्स के बारे में बात करता है, यानी कि सामान को बेचने के बारे में बात करता है, सर्विसेज के बारे में बात नहीं करता है कि लोग जो काम कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको ये इग्नोर करता है, तो यहां पर उसको कंप्लीटली ये साइड में रख देता है। तो उरुग्वे राउंड था ये 1986 से 1994 तक का, तो उसमें चलकर यहां पर ये एक राउंड निकल कर आया, तब पता चला कि अब WTO बनेगा ये GATT को हटाकर। तो 1 जनवरी 1995 में यहां पर हम लोगों ने WTO बना दिया, उन्हें कहते श्री गणेश कर दिया WTO का। एग्रीमेंट जो है जिसके थ्रू यहां पर WTO बनाया गया उसको बोलते हैं मार्केट एग्रीमेंट, ठीक है। तो मोरक्को के अंदर यहां पर साइन किया गया 1994 में और 1995 में WTO बन गया। तो जो WTO बना यहां पर GATT से, तो इसमें डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि GATT जो था यहां पर ये डील करता था ओनली गुड्स में, पर लेकिन WTO क्या करता है उसका दायरा बढ़ गया है, वो यहां पर गुड्स के साथ में सर्विसेज में भी डील करता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि ट्रेड क्रिएशन हो गया, डिजाइन हो गया, इन्वेंशन हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई कर रहा है उसमें भी काम कर रहा है, यानी कि ज्यादा ब्रॉड हो गया WTO। हेडक्वार्टर इसका जनेवा में देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड के अंदर में, और आज के डेट में 164 मेंबर है जिसमें से यहां पर 23 ऑब्जर्वर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर इंडिया के बारे में बात करें तो हमारा देश जो है वो यहां फाउंडिंग मेंबर भी है, इसी के साथ में जो यहां पर किसका GATT का और WTO का भी फाउंडिंग मेंबर है यहां पर, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आप लोगों को नजर आएगी यहां पर, जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी।
जो कि अभी 12वीं होने वाली थी कैंसिल की गई है, अब आगे आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। जनरल काउंसिल आप लोगों को देखने को मिलेगी, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी यहां पर रहती है और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू भी यहां पर रहती है। इसी में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यहां पर गुड काउंसिल होती है, यहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल होती है और सर्विस काउंसिल होती है। तो अब यहां पर जो WTO है वो तीन दायरे में काम करता है। पहले क्या था यहां पर, पहले ओनली यहां पर इसमें काम करता था, इसमें ओनली GATT, इन दोनों में काम नहीं करता था। अब यहां पर अलग अलग ऑर्गन इसके बना दिए गए, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोली गई। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, रिसेंट चैलेंज कई सारे देखने को मिले। जब यूएसए और चाइना में ट्रेड वॉर चल रही थी, जब WTO कुछ नहीं कर पाया, तो ये बोलते हैं कि WTO के सामने कई सारे चैलेंज रहते हैं। ऐसा लगता है कि WTO जो है वो एक तोता है जो काम नहीं कर पाता है कई बार। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आप लोगों को यहां पर देखने को मिली, काफी बड़ा मुद्दा यहां पर बन गया, ठीक है, जिसके चलते इशू यहां पर निकल कर आए। क्यों, यहां पर चीजें देखने को मिले, WTO जो है वो अब तक भी पुराने ढर्रे को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यानी कि अब जो है चीजें जो है जिस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं उसमें काम ही नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर अगर कई सारे लोग एग्री नहीं होते तो कैसे काम चलेगा, तो अपने अपने हिसाब से सेल्फ डिजाइन अपने आप कर लेते हैं, कौन डेवलप्ड कंट्री है कौन डेवलपिंग कंट्री है। तो यहां पर WTO का रोल ही नहीं रहता उसमें कुछ, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। चाइना ने भी अपने आप को डेवलपिंग कंट्री बोल दिया, तो क्या ये सही है? तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं यार। देखो अगर यहां पर, ये तो वही बात होगी, घर में एक मुखिया बना रखा है और उस मुखिया की कोई सुनता नहीं है, तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो क्या मुद्दा है इसका बेसिकली, आप लोग ये बता सकते हैं, ठीक है। तो ये इशू बन जाता है यहाँ पर। इसी के साथ में इकोनॉमिक कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कई सारे चेंजेस किए पिछले 25 सालों में, पर WTO है वो ऐसा कैसे है? इन्हीं घर में बच्चे जो है वो एडवांस हो गए हैं, पर लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो उनकी एडवांसमेंट जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो मिलकर काम करना चाहिए, उनको भी थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए और नई जनरेशन को भी समझना चाहिए अपने बुजुर्गों को, तो तभी यहां पर सोसाइटी के साथ चलेगी। तो वाली बात है, पर लेकिन WTO जो है वो पीछे छूट जाता है कई बार, क्योंकि डिजिटल मुद्दा जो है वो आगे बढ़ गया। एग्रीकल्चर में कई बार रस्साकसी चलती रहती है WTO को लेकर, तो WTO जो है वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे जिस तरीके से यहां पर जिस लिए इसको बनाया गया था, तो इसलिए कई सारे चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोली गई हैं। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। एक छोटा सा आर्टिकल और बता देता हूं, जो कि यहां पर पंजाब में अभी और उत्तर प्रदेश में और यहां पर कई सारे राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर यहां पर चुनकर आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का स्टेटिक पोर्शन हो जाएगा कंप्लीटली। बेसिकली GS पेपर 2 के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेचर, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, जो रियल एग्जीक्यूटिव जो हेड होते हैं वो होते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है, जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोले जाते हैं। और वैसे अगर आप लोग बात करेंगे तो हेड ऑफ द जो स्टेट होते हैं उनको कौन बोलते हैं, उनको बोलते हैं गवर्नर। गवर्नर के नाम पर चीफ मिनिस्टर काम करते हैं। जैसे सेंटर में आप लोगों को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखने को मिलते हैं, ऐसे यहां पर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आप लोगों को नजर आएगा। तो दोनों में कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। सिमिलर टू द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो हेड की जाती है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है स्टेट लेजिस्लेचर को। जैसे कि वहां पर अगर बात करूं पार्लियामेंट के अंदर में, तो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है आप लोग बताइए, चलिए देखता हूं क्या सही आंसर देते हैं आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं। आर्टिकल 164 जो है संविधान का, ये बोलता है कि चीफ मिनिस्टर जो होना चाहिए वो अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा, ठीक है। पर लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से अपॉइंट कर देंगे, यहां पर जो भी मेजोरिटी शेयर करेगा यहां पर वोटर का, उसको यहां पर बेसिकली असेंबली इलेक्शन के बाद में अपॉइंट करेंगे हमारे गवर्नर। गवर्नर जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं और रियल जो रहते हैं वो यहां पर चीफ मिनिस्टर रहते हैं। यानी कि गवर्नर जो है वो बेसिकली काम चलाओ काम करते हैं अपना, बाकी का काम जो रहता है वो चीफ मिनिस्टर का रहता है, उनके नाम पर सारे काम ये करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को। बेसिकली अगर बात की किसी भी पर्सन को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है क्या, जी हाँ, अगर वो चुनकर भी नहीं आया तो 6 महीने तक अपॉइंट किया जा सकता है, पर लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको इलेक्ट होकर आना पड़ेगा। ये कुछ आर्टिकल है जो आप लोग यहां पर याद रखते हैं, आर्टिकल 163, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 167। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। आर्टिकल 163 क्या बोलते हैं कि गवर्नर जो होना चाहिए यहां पर एक स्टेट के अंदर में, जब गवर्नर होगा तो उसको एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करने के लिए चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। तो यहां से पता चलता है आर्टिकल 163 से कि गवर्नर भी होना चाहिए स्टेट के अंदर में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होना चाहिए और चीफ मिनिस्टर भी होना चाहिए, ये आर्टिकल यहां पर बताता है, ठीक है। इसी के साथ में आर्टिकल 164 क्या करता है, गवर्नर जो है वो अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर को, ठीक है। यहां पर गवर्नर जो है वो अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर बाद में जब उसको अपॉइंट कर दिया जाता है वो बताएगा कि मेरी पार्टी में मेरी टीम में कौन कौन प्लेयर होगा, यानी कौन कौन यहां पर बेसिकली जो मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे। तो पहले गवर्नर चीफ मिनिस्टर को करेगा अपॉइंट और फिर चीफ मिनिस्टर बनाएगा कि ये है मेरे प्लेयर, हम अब मैच खेलेंगे, ठीक है। आर्टिकल 167 जो है वो चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं। तो सारी बातें जो भी यहां पर गवर्नर बेसिकली काम चलेगा वो चीफ मिनिस्टर को बताएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर चीफ मिनिस्टर के नाम पर ही, सॉरी गवर्नर को बताएगा यहां पर चीफ मिनिस्टर, क्योंकि गवर्नर के नाम पर ही सारे काम हुए हो रहे हैं यहां पर। तो चीफ मिनिस्टर जो है वो एक तरीके से लिंक हो जाता है गवर्नर के और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर बन जाता है। तो ये हो गए सारे एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग कवर। अब आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता होगा यहां पर बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर गालवान वैली के अंदर में काफी बड़ी झड़प हुई थी, हमारे कई सारे जवान शहीद हो गए थे। तो यहां पर चाइना का एक कमांडर था जिसका नाम था क्यू फैबाओ, ठीक है।
तो यहां पर जो ये पर्टिकुलर इंसान है इसको यहां पर इसके द्वारा जो हरकतें की गई थी वहां पर इसको चाइना के अंदर यहां पर बेसिकली इसको काफी अच्छे लेवल पर यानी कि एक तरीके ट्रीटमेंट दिया गया, इसको मिलिट्री ऑनर भी दिया गया यहां पर उस टाइम पर, और इसी के साथ में इसको अभी यहां पर टोर्च बीरर बना दिया ओलंपिक में जो यहां पर बेसिकली स्टार्टिंग में जब यहां पर स्टार्ट किया था ओलंपिक। तो यहां पर इंडिया के द्वारा क्या किया गया, अनाउंसमेंट कर दिया गया कि बायकॉट करेंगे ओलंपिक का। तो इसके चलते चाइना डिफेंड कर रहा है अपनी चॉइस को कि पीएलए का जो यहां पर गालवान सोल्जर है उसको टोर्च बीयर बनाना वो सही है, इसमें उन्होंने कोई गलती नहीं की है। तो नहीं गलती किया तो कर लो मुझे बाबा जी के ठुल्लू लो, अब वो भी और बेइज्जती हो रही है यहां पर। चलिए जो है ओवासी साहब जो है ये मेरठ में गए थे यहां पर एक रैली करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो इनके ऊपर गोली चला दी गई मेरठ के अंदर में, ठीक है। तो यहां पर फिर यहां पर जो इनको होम मिनिस्टर जो है उनके द्वारा बोला गया जेड सिक्योरिटी देने के लिए, जेड कैटेगरी सिक्योरिटी देने के लिए, तो इन्होंने बोला जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मुझे उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए जिसके द्वारा ये हरकतें की गई है, ठीक है, तो उनके खिलाफ यूएपीए लगाओ। तो उसके चलते यहां पर काफी बड़ी एक मुद्दा बना हुआ है, तो इसके चलते बार बार ये इशू निकल कर आ रहे हैं। देखिए कई सारे लोग बोलेंगे कि ये बताना जरूरी है क्या, आज की डेट में अगर बात करें ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपोजिशन को प्रोटेक्ट करें, इसीलिए यहां पर जो अमित शाह जी हैं वो यहां पर अर्ज कर रहे हैं ओवैसी को कि वो सिक्योरिटी ले लें। क्यों? क्योंकि आप लोग बोल सकते हैं कि यहां पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो फालतू की बात है, अपोजिशन है मरने दो जो चल रहा है चलने दो, ऐसा नहीं होता है। अगर डेमोक्रेसी में आप लोग बैठो जितनी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट यहां पर आप लोगों को अपोजिशन देखने को मिलेगी। अगर कल को कुछ भी हो जाते हैं यहां पर तो सारे जो एक तरीके ठहक रहे हैं वो यहां पर फूटते हुए नजर आएंगे किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, और यहां पर कंट्री के अंदर रोज बन सकता है क्योंकि उनके भी फॉलोवर होते हैं, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर गवर्नमेंट की और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अगर कुछ अपोजिशन के किसी भी इंसान को कुछ हो जाता है तो। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया यहां पर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यहां पर खासकर कांग्रेस के बारे में बात है कि वो डिवाइड करने की बात कर रही है यहां पर, और कई सारे मुद्दे इनके द्वारा बोले गए, क्रिटिसाइज किया गया कई सारे लोगों के द्वारा, मतलब इनके द्वारा भी कई सारे लोगों को कि मतलब बहुत सारी बातें बोली गई, ठीक है। जब इन्होंने अपनी बातें बोली तो फिर यहां से जो कांग्रेस है वो बता रहे हैं कि आप बातें क्यों नहीं कर रहे हो इन्फ्लेशन के बारे में, जॉबलेसनेस के बारे में, चाइना के जो यहां पर हमारी कंट्री में आकर घुसने के बारे में, उनके बारे में तो बात नहीं कर रहे हो, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात कर रहे हो। तो दोनों की आपस में बातें चल रही है तो इनको आप लोग इग्नोर कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। अगर बात करें यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी यहां पर रैप्स का मतलब है कि यहां फटकार लगा दी गई किसको, त्रिपुरा के जो पुलिस है उसको, क्योंकि सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर जो एक्शन की बात यहां पर की जा रही थी, ठीक है। तो पुलिस ने यहां पर बेसिकली बोला कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो अपना काम कर रही है पुलिस, तो यहां पर उनको फटकार लगा दी गई यहां पर जो कि चीफ जस्टिस है डीवाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा। देखिए नॉर्मली होता क्या है, अगर कोई इंसान जो है अपनी जो फ्रीडम को यूज कर रहे हैं तो यहां पर अगर कोर्ट ने कुछ बोला है यहां पर तो उसके चलते यहां पर चीजों को समझना चाहिए, चाहे पुलिस हो चाहे गवर्नमेंट हो, पर लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है तो उसके वजह से इश्यू निकल कर आते हैं एक तरीके से, एक नहीं दोनों के बीच में एक मुद्दे को लेकर यहां पर झड़प होती नजर आती है। तो कई बार आप लोग ऐसे इश्यू देखने को मिल जाते हैं, तो एक मोटा माटी आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। कई सारे लोग जो इसके ऊपर क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, अच्छा ये कैसा हो गया, वो क्या चल रहा है, तो अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको आप लोग समझिएगा, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं यहां पर, जो बेसिकली बात की जा रही है लता जी के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर चाइना की साइड से भी यहां पर चाइना में कुछ फैन थे लता जी के, तो यहां पर वो एक तरीके से बोल रहे थे कि कल्चर ब्रिज था यहां पर कई सारी कंट्रीज में लता जी, तो ये तो मानना पड़ेगा यार, इतनी सारी लैंग्वेज, मतलब शायद कोई इंसान जो है इतनी सारी लैंग्वेज में गाना गा सकता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम, ठीक है। तो उससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं, काफी बड़ी बात है अपने आप में। आज की डेट में नॉर्मली जो है इंसान जो है एक एक लैंग्वेज मतलब सुनने में भी दिक्कत में आ जाते हैं, पर लेकिन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक अलग ही लेवल का मुद्दा, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, ओके। आइए आगे चलते हैं यहां पर, ये यहां पर बेसिकली बात की जा रही है इंडिया की सपोर्ट श्रीलंका के बारे में, ऐसे डे बाय डे के आर्टिकल होते हैं, आप लोग इनको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। उसने थैंक्स बोल दिया, इंडिया ने सपोर्ट कर दिया एनर्जी के फील्ड में, वो सब चीजें तो आप लोग को देखने को मिला, श्रीलंका की खस्ता हालत है और इंडिया ने एक सपोर्ट प्रोवाइड करा दिया। तो इसके चलते कई सारे आर्टिकल ऐसे आते हैं, एक बार टॉपिक को कवर कर लो डेली, इसके ऊपर ताक झांक करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, टॉपिक को तैयार करो साइड में फेंको, अगर इसी तरीके से लगे रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक ही टॉपिक को हजार बार रिपीट कर लिया ऐसा नहीं होना चाहिए। शिवाजी पार्क में ममता जी का मेमोरियल बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। ये रीट के बारे में मैंने बता दिया, मैरिटल रेप के बारे में हजारों बार आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। कई बार फिर से आर्टिकल आएंगे तो कोई एडिटोरियल आएगा फिर से कवर कर लेंगे, लेक्चर अगर रेगुलरली आप लोग सुन रहे हैं तो कोई दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी, वरना मैं भी बैठकर आप लोगों को बार बार यही बातें बताता रहूंगा, टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है एक ही चीज को बार बार रिपीट करने से, एक बार टॉपिक को कवर कर लो और फिर रखो, क्योंकि इतनी सारी नई चीज आती है अगर पुरानी चीज में आप लोग लगे रहोगे, ठीक है। जैसे मैं आज बताऊं, अगर फिर मैं क्या कर सकता था, देखिए अगर मुझे लगता मुझे पढ़ाने का मूड नहीं है, ठीक है, तो क्या करूंगा, मैरिटल रेप को बता दूंगा फिर से उठाकर एक सेकंड में, आप लोगों को तीन बार पढ़ा चुका हूं पिछले वीक में, अगर नहीं मन है पढ़ाने का, जैसे आज फिर एक आ रखा है लोकायुक्त के बारे में एक आर्टिकल आ रखा है, पिछले वीक में दो बार पढ़ा चुका हूं, फिर से लोकायुक्त को लेकर बैठ जाता, ठीक है, उसको आप लोगों को एक्सप्लेन करने लग जाता, ठीक है। तो ये यहां पर श्रीलंका का इश्यू, इसको लेकर बैठ जाता फिर से एक्सप्लेन करने लग जाता,
ये काम करने में बहुत ही आसानी रहती है, क्यों? क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, उठाकर एक सेकंड में बैठकर आकर आप लोगों के सामने गा दूंगा। पर लेकिन जो नई नई चीजें आ रही हैं वो सारी आप लोगों की छूट जाएगी, उसको आप लोगों को ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर कोशिश करो कि यहां पर थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखो, रिविजन साथ में करते रहो, पीडीएफ पुरानी सारी प्रोवाइड करा दी जाती है, कोशिश आप लोगों को ढंग से ये करने की चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड करके चलना है, ठीक है। क्योंकि एक तरीके से यहां पर अगर मैं ऐसा करता रहूंगा तो मुझे तो फायदा यार उस चीज में, पीपीटी बनाने में पता है कितना टाइम लगता है आप लोगों को, नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा पीपीटी बनाने से लोग जो है बसते हैं काफी ज्यादा, ठीक है, अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो, क्योंकि उसमें सारी चीजें प्रॉपर वे में लिखनी पड़ती है, पूरा एक वो करना पड़ता है, तो इसकी वजह से दिक्कत है आप लोगों को देखने को मिल जाती है फिर। पर लेकिन पीपीटी का फायदा क्या होता है, आप लोग इनको इकट्ठा करके अपने पास रख लोगे तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन को अपने आगे लेकर चल पाओगे, ठीक है, जब टाइम आएगा उनको अच्छे से रिविजन कर पाओगे। तो ये आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है, सबसे ज्यादा मेहनत सुबह से लगती है पीपीटी बनाने में, वरना पूरा डिस्कशन जो है मैं 4 बजे अपलोड कर दूं अगर पीपीटी ना बनाऊं मुझे, ठीक है, अगर मैं और तरीके से काम करना स्टार्ट करूं। तो ये आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है, इसको अप्रिशिएट किया करो और इसको एंजॉय किया करो अच्छे से, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोग देखकर चलो, और जितनी चीजें जरूरी है उतनी मैं रिवाइज भी कराता हूं, वरना एडिटोरियल आप लोग देखो, जितने डिटेल में आप लोग एडिटोरियल पढ़ाई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोग इसको देखना एक बार को, एक बार जाकर पढ़ना एडिटोरियल को, ठीक है, और देखना कि इस तरीके से एडिटोरियल कैसे आते हैं खासकर, वरना मैं भी क्या कर सकता हूँ, एक आधा एडिटोरियल पढ़ा दूंगा और बोल दूंगा चलो ठीक है आज के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो वीडियो लेंथी हो जाती है, कई सारे बच्चे बोलते हैं देखिए एक तो तरीका यह है मैं लेंथी कर दूं बार बार ये चीजें रिपीट कर कर, ठीक है, डेली उठा उठा कर कुछ नहीं मिला तो ये पढ़ा दिया, मैरिटल रेप पढ़ा दिया, श्रीलंका पढ़ा दिया कुछ एक तरीके से, ठीक है, डेली उठा कर मैंने आप लोगों को कुछ भी मतलब जो पढ़ा चुका हूं हजारों बार वो बार बार पढ़ा दो आप लोगों को। एक तो ये वीडियो को बड़ा करने का, ऐसे वीडियो थोड़े ना बड़ा कर रहा हूं मैं, आप लोगों को प्रॉपर न्यू चीजें डेली आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है आप लोगों, और ऐसा भी नहीं कि मैं वीडियो बहुत छोटी कर दे रहा हूं कि ये दो आर्टिकल पढ़ लो चलो ठीक है आज का कवर हो गया, टाइम पास भी नहीं कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अप्रिशिएट किया करो यार, आप लोग चीजों को देखा करो कि क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें गलत हैं, ये आप लोग समझदार हो ये आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। ये थी कुछ बातें, तो यहां पर ये बातें मैंने आप लोगों को बता दी, आई होप कि आप लोग चीज समझ रहे होंगे, मेहनत को अप्रिशिएट करो बेसिकली ये कहने का मतलब है, क्योंकि इस तरीके की चीजें प्रोवाइड कराना नॉर्मल आसान काम नहीं है, एक मेहनत करनी पड़ती है उसके पीछे काफी अच्छे वाले, ठीक है। नॉर्मली लोग जो है मेहनत करने से बचते हैं, लो आप लोगों ने खुद देखा होगा, आप लोग खुद भी मेहनत करने से बचते हैं, बोलते हो रिवीजन कर लो रिवीजन नहीं करते हैं, मंथली वीडियो बनाई इतने ज्यादा चीजें उसमें डिस्कस की, पर लेकिन देखने को मिलेगा उसने 10-12 हजार लोगों ने वीडियो देखी, ठीक है, हालांकि बाद में देखते रहते हैं, पर लेकिन रियलिटी में यह है कि उसके पीछे मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। पर लेकिन वही है चीजें, चलिए जो भी है क्या बोलो उसके बारे में, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहां से निकल कर आ रहा है, इवन अगर बात करें इसके बारे में तो ये आर्टिकल काफी इंपोर्टेंट होता है कि स्कीम बन जाती है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में। तो अगर आप लोगों से यहां पर कोई पूछने लगे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में तो आप लोग कई सारी बातें यहां पर जानने को मिलेगी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए स्कीम क्या होती है, अगर वुमेन के बारे में कुछ इस तरीके की चीजें आ जाती हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाता है, तो ये स्कीम आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर कोई भी ऐसी स्कीम के बारे में बात करें तो, वुमेन रिलेटेड इशू है वहां पर आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये जो स्कीम है 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2017 में लॉन्च किया गया, तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए यहां पर 6,000 रुपए प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई यहां पर, ताकि प्रेग्नेंट वुमेन जो है या फिर लैक्टेटिंग मदर यानी कि जो यहां पर बच्चों को दूध पिलाने वाली मां है उसको यहां पर फायदा होगा। बोला गया काफी सारे हाल के बेनिफिशियरी यहां पर आज के डेट में आ चुके हैं, इसके साथ में यहां पर काफी सारे लोगों को कैसे भी मिल चुके हैं, और यहां पर पैन इंडिया ये स्कीम जो है वो बढ़ाई जा रही है 2017 में जब इसको लॉन्च किया गया, इसके चलते कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहां पर तैयार किया गया जिसके चलते यहां पर सबसे ज्यादा जो है महिलाओं को फायदा पहुंच सके। पर लेकिन ये माना जाता है कई बार किसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि कई बार यहां पर महिलाओं को फायदा नहीं मिल पाता, इसकी वजह से दिक्कतें देखने को यहां पर मिल जाती है, एक बात। दूसरा यहां पर बोला यह जाता है कि यहां पर कि फर्स्ट चाइल्ड के लिए यहां पर ये स्कीम जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। इसी के चलते आप लोगों ने देखा होगा बेनिफिशियरी तो और भी कई जगह यहां पर चीज देखने की, एक तरीके चेक कराना ऐसे बच्चों को चेकअप कराना टाइम टू टाइम वो सारी चीजें, और इंदिरा गांधी मातृत्व जो सहयोग योजना, ठीक है, तो स्कीम थी यहां पर इससे रिलेटेड और भी, इसी के साथ में यहां पर पोषण अभियान था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, तो और भी बहुत सारी स्कीमें जो रेगुलरली यहां पर न्यूज में आती रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर एक ऑपरेशन इसका नाम याद रखते हैं, ऑपरेशन आहत, ठीक है, AAHT। तो यहां पर ये ऑपरेशन क्या है याद रखिए, किसके द्वारा चलाया गया, तो यहां पर चलाया गया रेलवे के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, यहां पर किसको ट्रैफिकिंग यानी कि जो देह व्यापार किया जाता है लोगों को खरीदा और बेचा जाता है, ये हमारे संविधान के अंदर अगर आप लोग जाएंगे कौन सा आर्टिकल है बताइए, आर्टिकल यहां पर पार्ट थर्ड में आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 23 यहां पर इस चीज को रोकने के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चाइल्ड लेबर किस आर्टिकल में आती है चलिए ये बताइए, तो किसके द्वारा प्रोवाइड कराया गया, किसके द्वारा चलाया गया, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, ऑपरेशन का नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। प्राइम वन थर्ड जो है यहां पर 10,000 जो करोड़ है यहां पर बोस्टिंग पीएम केयर फंड जो है वो स्पेंड किया गया ऑडिट में अगर बात करें, ठीक है, ये तो कोई नहीं पूछेगा कहां कितना स्पेंड कर रहे हैं,
पीएम केयर के बारे में पूछा जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में यहाँ पर बेसिकली एक रिलीफ असिस्टेंस यहाँ पर आप लोग देखते हैं, तो पीएम केयर फंड में जो पैसा जाता है यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था कोविड 19 में हम लोगों को कैसे टैकल करना है। इसमें तीन लोग होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। और माइक्रो जो डोनेशन की बात की जाती है 10 रुपए भी आप लोग डोनेट कर सकते हैं यहाँ पर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी खर्च किए जाएंगे मेडिसिन बनाने में। और इनकम टैक्स जो है यहाँ पर उसका 80G फॉर्म जो है उसमें यहाँ पर बोला गया इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इनकम टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा, इनकम टैक्स आप लोगों का छूट जाएगा यहाँ से, इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। इसी के साथ में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में छूट मिलेगी। पीएम जो यहाँ पर नेशनल रिलीफ फंड से पहले था जो कि 1948 में बनाया गया था, अब ये दूसरा फंड है यहाँ पर जो कि आप लोगों को देखने को मिला। पहले वाला फंड भी काफी ज्यादा न्यूज किया गया था, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर जो नेशनल रिलीफ फंड, इसमें कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। हमारी कंट्री के द्वारा ये क्रिकेट से रिलेटेड आप लोगों की न्यूज है यहाँ पर, ये ठीक है, गेम से रिलेटेड भी कवर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को पता है अंडर 19 वर्ल्ड कप हमारे देश में जीता गया, तो यहाँ पर ये याद रखेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, किसको हराया गया ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, 5th टाइटल है हमारा और यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हमारे द्वारा यहाँ पर ये हमारी कंट्री जो है मोस्ट टाइटल वाली कंट्री आप लोग यहाँ पर देखने को मिली है, 5th टाइटल एंड मोस्ट बाय द कंट्री, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर जो फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बेसिकली फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आज के बात करें इमैनुअल मैक्रों, ठीक है, प्रेसिडेंट सॉरी, तो उनके द्वारा भी रसेगे पुतिन साहब के साथ मिला गया और बातें की गई कैसे यहाँ पर यूक्रेन के इशू को टैकल किया जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन एक ऐसा मुद्दा बन चुका है आज के डेट में जो कि काफी बड़ा इशू है। और कई बार मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बनना चाहता है, पुतिन चाहता है कि वो नेटो का मेंबर न बने, इसके चलते पुतिन उसको कंट्रोल करना चाहता है, यूएसएसआर का पार्ट पहले हुआ करता था, तो वही सारी चीजें रिपीट की जा रही है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, उसको आप लोग थोड़ा देखेगा। इसी के साथ में चाइना की एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थी जिनका नाम था यहाँ पर पेंग शुई, ठीक है, इनके द्वारा आरोप लगाए गए थे कि चाइना में जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इनका शोषण किया गया, पर उसके बाद में गायब हो गई और फिर पब्लिक में आ रही है तो बोल रही है कि वो फालतू की मतलब एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो चाइना में इतना ज्यादा लोगों को कंट्रोल किया जाता है। अगर बात करें यहाँ पर तो इकोनॉमी वाले पेज पर देखने को मिलेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं उसको क्राउड आउट, मैंने पता चला गवर्नमेंट जो इतना ज्यादा खर्चा कर रही है प्राइवेट वालों को पैसा लेने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो उसको बोलते हैं क्राउड आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्राइवेट वालों को जगह ना देना। तो ये ऐसा बोल रही है फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ईरान और जो यहाँ पर यूएसए की ऑयल बात स्टार्ट हुई है, तो आने वाले टाइम पे इस पे एडिटोरियल भी आएंगे, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। तो कई सारी ऐसी बातें रिपीटेडली आती रहेंगी, तो बात हो रही है तो अब चीजें नॉर्मल होती जा रही है। देखिए एडिटोरियल नहीं छूटने आप लोग, बाकी चाहे कुछ आप लोग जिस तरीके से कवर करना है पर एडिटोरियल को इग्नोर नहीं कर रहे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आजकल सुडोकू है, आप लोग इसको जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से। बाकी क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के बारे में, तो आंसर यहाँ पर इसका भी है, मैंने डिटेल में बताया था यहाँ पर, ठीक है। 30 जनवरी को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा इसको बोला गया था कि सेलिब्रेट करना चाहिए और यहाँ पर ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी एक पर्टिकुलर जो बेसिकली आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है, तो इसका जो आंसर आप लोगों के सामने था इसका आंसर सी था, ठीक है। सी का मतलब यहाँ पर आप लोगों को देखने को कब से कब तक बनाया गया, और द्रविड़ियन और यहाँ पर नगर इसके बारे में बात की जा रही है, नगारा स्टाइल, ठीक है, नागरा स्टाइल बेसिकली, ठीक है। तो बोला इससे यहाँ पर यूनिक आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। आगे यहाँ पर पूछा गया था नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के बारे में, तो याद रखेगा यहाँ पर ये किसके अंदर आता है, ए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कंपनी एक्ट 1956, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। काफी अच्छे से आंसर दिए गए थे यहाँ पर इसके पर्टिकुलर जो है यहाँ पर तुषार के द्वारा, तो आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट किया गया, अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। नई 5 वोकैबुलरी के शब्द आज आप लोग ऐड कर सकते हैं। रोल आउट के बारे में बात की जा रही है, ऑफिशियली लॉन्च करना किसी चीज को रोल आउट बोलते हैं। स्टॉक का मतलब पीछे, परस्यू करना, अप्रोच करना किसी चीज को। रिलिंग्विश का मतलब होता है त्याग देना, वॉलेंट्री, अपने आप अपनी इच्छा से गिव अप कर देना। मेट्रिकुलस का मतलब होता है अति सावधान, यानी सावधानी से चीजों को लेकर चलना, सावधानी से चीजों को केयरफुली देखना, ठीक है। ऑक्शन का मतलब है नीलामी, किसी चीज को नीलाम कर देना, ऑक्शन कर देना, किसी प्रॉपर्टी का ऑक्शन कर देना, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से पूरा डिस्कशन आप लोगों ने समझा होगा। सारे जो भी एडिटोरियल है एक एक एडिटोरियल आप लोगों को कंप्लीट कर दिया, एक आर्टिकल पढ़ने के लिए आप लोगों को दूंगा, वो आर्टिकल जरूर पढ़ लीजिएगा, उसी के साथ में डेटा पॉइंट भी प्रोवाइड करा दूंगा, कोटेशन वगैरह ये सारी चीजें और जो भी, और 2 क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, उनको आप लोग जरूर देखना। और सिलेबस की वीडियो बना रखी है, और इसी के साथ में आप लोगों के सामने मैंने बेसिकली कल जो मंथली करंट अफेयर की वीडियो भी आप लोगों की अपलोड कर दी, तो उनको जरूर देखिएगा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, और पीडीएफ सारी इकट्ठे मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक बना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।